first. And thank you very much to generate one quality question. See, Mr. Sushant, I would like to tell you that, and definitely I would like to address in Hindi because most of the people wants to listen in Hindi. हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जैसे आपका सवाल था कि जो भी सवाल था उसके हिसाब से मैं ये बात करना चाहूँगा। हम लोग मान लीजिए कोई भी डेरिवेटिव का ट्रेड ले रहे हैं, सपोज द एनीथिंग विच इज अंडर डेरिवेटिव, जिसके अंदर फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड होता है, तो जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी उसमें 50% वेटेज महत्व हम देंगे ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन ओनली टू मेक योर कन्विक्शन, ऑप्शन चेन इज ओनली टू चेक बायर और सेलर डोमिनेंस। Suppose put call ratio is less than 1, then you can think that the sellers are in control. And if you see put call ratio is above 1, then you can interpret that the buyers are in control. And now, if you see the current strike price, आपका जो भी चल रहा है, उसके ऊपर के 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक, नीचे के 2 3 स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट फ्रेश कितना बिल्डअप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट टोटल कितना बिल्डअप हो रहा है, उसके हिसाब से आप ये चेक कर पाएंगे कि मार्केट में अभी कंट्रोल कौन कर रहा है। उसके बाद अगर प्राइस VWAP के नीचे है, then you can definitely think to go for a sell on rise. And put call ratio positive है, market में buyers control में है, आपको ऐसा लगेगा, then you can go for buy on dip. अब उसमें क्या है कि आपके पास areas होना चाहिए, like हम लोग कैसे use करते हैं, हमारे यहाँ इसका success ratio लगभग 100% होता है अगर हम time से trade लेते हैं level पे आके। Market अपने level पे आता है, दिन में 1 2 3 बार आपको पूरा chance मिलता है to play in a range. Suppose if you are using 15 minute or 30 minute, the ideal best time frame is using 30 minute. अगर 30 minute के time frame पे आप कभी भी अपने आप कोई काम करेंगे ना, आप चाहे 25 point की भी scalping करें, 50 point की भी scalping करें, 30 minute time frame is ideal best time frame to trade in index. और आपको लगता है कि 30 minute ज़्यादा है, then go for 15. इससे नीचे जाएंगे so you will be confused always. आपको वो move पकड़ने को नहीं आएगा. So delta, option chain and market profile, इन तीनों को जो मैंने strategy, मैंने सारे videos भी डाल रखे हैं. इनफैक्ट मेरी जो क्लासेस के जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो भी मैं डालता हूँ। देखो मुझे ऐसा नहीं है कि आप मैं मेरी कोई स्ट्रेटजी है आपको नहीं दूंगा, आपको पेड में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट माय पेड सर्विसेज हियर, आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट कि मैं बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट पे आपको मेरी रिकॉर्डिंग सारी जो क्लासों की होगी मैं फ्री में आपको देने वाला हूँ। मैं अपना एक लाइब्रेरी बना हुआ हूँ वेयर यू कैन फाइंड बुक्स ऑन ऑर्डर फ्लो, हिंदी इंग्लिश में बुक्स का कलेक्शन कर रहा हूँ, वो भी आप फ्री में पढ़ पाएंगे। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन चेक माय लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस। हालांकि वो वीडियो 2 घंटे के हो सकते हैं, बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस मार्केट टाइम देना पड़ेगा। चाहे आपको, हाँ, अब आप बोलो कि मुझे कोई 5 मिनट के वीडियो में सिखा देना, तो सर वो थोड़ा सा है ना, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। मेरा वीडियो सर अगर अपने को टीवाई बीकॉम भी करना है तो 15 साल लगते हैं ना, सीनियर जूनियर 17 ईयर्स लगते हैं। इंजीनियरिंग करनी है या कोडिंग करनी है, कुछ भी करना है, 3-4 साल तो मिनिमम है। बिल्कुल सर, हाँ। तो प्रॉफिट और लॉस का वो तो दूसरी बात है, फर्स्ट तो ज्ञान तो लो, नॉलेज तो लो, क्या है क्या नहीं है। तो सर मैं वही देख रहा था जो प्रॉप ट्रेडिंग है ना, लाइक यूएस के है या यूके के प्रॉप ट्रेडर्स है, जिससे है उन्होंने तो मेरे को यही बोला कि हम लोग तो ऑर्डर फ्लो ही देखते हैं और हम लोग लैडर देखते हैं। लैडर मतलब उनका जो प्रोफेशनल बुक होता है, मतलब तो इंडिया में लैडर तो है एक्सचेंज से नहीं आता है, उसमें बहुत स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो 5-10 रुपए का स्प्रेड रहता है, वो डिपेंड, वो उसमें मजा भी नहीं आएगा अपने को करने की। देखो उनके वहाँ क्या होता है कि वो उसी के अंदर ब्रोकरेज वगैरह कमा लेते हैं, वही जो आस्क बिड का गैप होता है ना उसी में लोग कमा लेते हैं। करेक्ट सर, बट उसमें क्या होता है सर, वो उतना हेवीली ट्रेड होता है ना, तो उसमें उतना स्पाइक नहीं होता है। अपने इधर बैंक निफ्टी में एक कैंडल का भी 25-30-40 रेंज की बन जाती है, तो उसमें नीचे ऊपर आने में वो बहुत तकलीफ होती है। 40 पॉइंट अगर आप 0.5 का भी डेल्टा से मैनेज कर रहे हो तो 20-30 रुपए ऊपर नीचे हो ही जाता है वो। और देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मेरे ख्याल से ये कितने लोग मेरी बात से वाकिफ होंगे कि नहीं होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन, मान लीजिए एनी डेरिवेटिव्स, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑप्शन के चार्ट के लेवल के बेस पे चलना चाहिए। अगर आप उधर CEP पे एसएल लगाते हैं तो पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा, यानी मैं अभी बैंक निफ्टी का ट्रेड ले रहा हूँ, 18,500 ब्रेक करेगा आई विल एग्जिट और 18,700 टच करेगा आई विल एग्जिट, इस तरह से प्लान बनता है। डेफिनेटली ये ही थ्योरी काम करती है। अब होता है क्या सर कि काफी लोग है ना वो खाली 10-20 रुपए का एक अंदाज से स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ज्यादातर एसएल हिट हो जाते हैं। जबकि प्रोफेशनली तरीका ये बोलता है कि आपको लेवल टू लेवल प्ले करना है। ऑप्शन इटसेल्फ है, यानी एक बोलते हैं ना कि आप काजू का मूंगफली के प्राइस में काजू खरीद रहे हो, यू आर ऑलरेडी पेइंग वेरी लेस अमाउंट फॉर अंडरलाइंग एसेट, उसमें भी अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। ऑप्शन के एसएल हमेशा एक लेवल पे ही चलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि यही एक होता है। उसके बाद स्ट्राइक वाइज, अब कई बार क्या होता है सर कि गामा और थीटा, गामा का मूव जो है वो कहीं ना कहीं आपको, जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चला गया बट ऑप्शन का भी वो उतना नहीं गया ऊपर, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। यस, इफ यू आर प्लेइंग इन फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर के लॉट से ट्रेड करते हो तो वो एक एक पॉइंट के हिसाब से आपका ऊपर नीचे होगा। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपका 50 पॉइंट ऊपर गया और सपोज एग्जाम्पल यू आर हैविंग ₹1000 प्रॉफिट, बट जैसे ही वो 15 पॉइंट पे नीचे आएगा ना तो आपका प्रॉफिट 50% हो जाएगा। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ऐसा मानता हूँ सबसे ज्यादा लोग इसी में लॉस लगाते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा एसएल जो है वो किस लेवल पे होना चाहिए। अब उसके कुछ टेक्निक्स हैं। आप फ्यूचर या ऑप्शन का चार्ट ले लीजिए, वहां पे अलार्म लगा दीजिए कि मान लो जो बैंक निफ्टी है वो इस लेवल के नीचे गया, 43,000 के नीचे गया, आई विल एग्जिट। आइदर माई बैंक निफ्टी विल टच 40,800, आई विल एग्जिट। तो आप अच्छी तरह से प्ले कर पाओगे। और एंट्री कब करनी है, एक लेवल पे एंट्री करनी होती है। रैंडमली कभी भी घुस गए तो नहीं चलेगा। मार्केट बुल पोजीशन में है तो वीएफ पे आया तो वीएफ से बाई करिए, अगर मार्केट बियर पोजीशन में तो वीएफ पे आता है तो वहां से सेल मारिए। टारगेट वैल्यू एरिया लो, यानी कि डे लो हो सकता है या और भी नेक्स्ट लेवल, जो भी है लेवल के बहुत सारे इंडिकेटर्स है। बट लोग क्या मूविंग एवरेज और ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको राइट एंट्री नहीं देते हैं। देखिए, राइट एंट्री करना इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस मार्केट। अगर टाइम पे राइट लेवल पे एंट्री नहीं होगी तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। राइट सर, तो फिर अगर आप बोल रहे हो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का अगर हम लोग वो रेंज पे ट्रेड करेंगे ना तो आपका एसएल भी बड़ा बनेगा, तो आपका पोजीशन नहीं सर। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आप अगर मान लो सपोर्ट पे एंट्री लेते हैं, परफेक्ट लेवल पे एंट्री लेते हो तो आप बहुत छोटा एसएल डिसाइड कर सकते हैं। ओके ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मार्केट अपने 18,000 की रेंज को तोड़ता है तो वो घूम फिर के वापस 18 पे आएगा। जैसे आपने देखा परसों मार्केट जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ता है, यानी उसने 43,500 तोड़ा, तोड़ने के बाद वापस वहां पे आया, तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट कम से कम 3 या 4 पुल बैक लेते हैं, इजिली टूटते नहीं है वो। इफ यू सी द 18,500, थैंक यू अब्दुल जी। तो मार्केट अगेन कम बैक टू दिस लेवल्स, यू नो। तो मार्केट बड़े साइकोलॉजिकल लेवल को एकदम आसानी से तोड़ता नहीं है। तो उस वक्त आपको ये समझना होगा कि आपको हमेशा लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन के लेवल पे निकाल सकते हो या फिबोनाची लेवल पे निकाल सकते हो। अगर आपके पास प्राइस एक्शन जानते हो तो बेस्ट है। प्राइस एक्शन अगर आपने सीखा है तो आपको ऑर्डर फ्लो से तो खाली डेल्टा देके एंट्री के लिए ही वो यूज किया जाएगा। करेक्ट। Order flow is not for levels or something because this is only intraday tool to confirm buyers positions. यानी delta green positive है तो आप buy side जा सकते हो, delta negative तो आप sell side जा सकते हैं to confirm your entry. Suppose resistance तोड़ रहा है तो क्या वो resistance जो टूट रहा है वो आगे जाएगा, क्या वो breakout जो है वो success होगा, then you can check the order flow. The order flow is a confirmation tool, not to enter. हाँ, मतलब अपना बेयर ट्रैप या बुल ट्रैप से बचाने के लिए ऑर्डर फ्लो डेल्टा विल बी हेल्प करना सर। हां, इफ यू वांट टू टेक अ राइट लेवल एंट्री देन यूज प्राइस एक्शन, आइदर वॉल्यूम और मार्केट प्रोफाइल। ये सबसे लीडिंग आपको टूल्स मिलेंगे जिससे आप टाइम पे एंट्री ले पाए। ऑर्डर फ्लो से कंफर्म करिए और कन्विक्शन बना के चलिए ऑप्शन चेन से। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप रेगुलर मॉनिटर करते हैं, जैसे पुट कॉल रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है या राइटिंग अच्छी हो रही है, पुट राइटिंग, देन यू कैन थिंक दैट द बायर्स आर इन कंट्रोल। द सेम वे प्राइस इज मूविंग अप, द सेम वे डेल्टा इज गेटिंग पॉजिटिव। दैट्स वेरी सिंपल। सो यू कैन टारगेट नेक्स्ट लेवल। इस तरह से ट्रेड की जाती है। तो मार्केट प्रोफाइल में आप ये अपना शेप्स भी देखते हो, पी शेप, बी शेप, फिर स्मॉल सर मैं है ना, ये मार्केट जो शेप वाला है ना, दैट इज वेरी वर्किंग वेरी गुड इन करेंसी मार्केट क्योंकि वो 24 आवर्स चलता है। क्या मार्केट अपना 6-7, 6.5 छोटी रेंज में काम करता है। करेक्ट, वही मैं आई विल यूज ओनली अनफिनिश्ड ऑक्शन एंड वैल्यू एरिया हाई लो, दैट्स इट। ओके हां, ओके ऑक्शन प्राइस इतना यूज करें, इतना वो शेप में जाएंगे, वो कभी करेक्शन आपको मिलेगा नहीं करेक्टिवली। अभी आपको एक तरह से क्योंकि ये मार्केट अलग है ना, इंडियन मार्केट अलग होता है। इवन इन कमोडिटी देखो, आप लेवल के लिए मार्केट प्रोफाइल यूज करेंगे, सिर्फ वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और अनफिनिश्ड ऑक्शन के लेवल्स, दैट्स इट। बाकी सब आप वीवैप और डेल्टा से कंफर्म कर लीजिए। कन्विक्शन ले लीजिए आप ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन का, ओके सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, मैं इसलिए आया हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मेरे से सीखने को मिले। और किसी का कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली वो ओपन है, कोई भी क्वेश्चन नया है पुराना है और कुछ भी किसी को पूछना है, दे कैन टाइप, दे कैन स्पीक। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज, क्योंकि मैं भी YouTube पे आ जाऊंगा तो आप मेरे से बात नहीं कर पाओगे। मैंने सोचा मैं YouTube पे लाइव आ जाता हूँ, पर उससे होता क्या है ना कि वो इंटरेक्शन नहीं होता है YouTube पे, एंड आई एम नॉट यूट्यूबर वेरी फ्रेंकली। सर हम लोग कमोडिटी में भी इसका मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके ओके। तो मैं आज एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ क्रूड ऑयल का A to Z। ये क्रूड ऑयल होता है क्या? देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोग जॉब करते होंगे या बिजनेस में होंगे तो मॉर्निंग आवर्स में आपको टाइम नहीं मिला, और आजकल क्या बैंक निफ्टी का विक्स बहुत नीचे चल रहा है अपना इंडियन मार्केट का, तो वो वॉलेटाइल मूव भी नहीं आ रहा, तो बहुत छोटी रेंज में काम कर रहा है। उस वक्त आप क्रूड में भी ट्रेड करिए आप। डेफिनेटली क्रूड का वेटेज बहुत अच्छा है, मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है निफ्टी बैंक निफ्टी से। और दूसरा क्रूड के अंदर जब मूव आते हैं तो आपको एक साइड मिलता है, वो प्योर टेक्निकली काम करता है, बट ट्रेड आफ्टर ओनली 6। इफ यू वांट टू प्ले टेक्निकल, आपको टेक्निकल प्ले करना है क्रूड में तो 6 बजे बाद जाइए मार्केट में, और शाम को 6 से 11 के बीच में लगभग अच्छे मूव आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि क्रूड के 50 पॉइंट आप गेन करते हैं तो इक्वलेंट टू 200 पॉइंट ऑफ बैंक निफ्टी, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो सर अपना MCX में करना चाहिए कि अपना US मार्केट में ट्रेड करें तो बेटर रहेगा? सी एक चीज मैं बता देता हूँ, देयर आर टू थिंग्स। अगर आप इंडियन मार्केट के हिसाब से MCX का करेंगे तो आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए, बट ब्रोकर्स आर जेन्यून। और अगर आप वो जो एप्लीकेशन है डॉलर वाली, तो उनका एक विड्रॉल का काफी इशू होता है, तो आई डोंट नो आपका क्या रहेगा उसके अंदर। चार्ट सभी के एक जैसे चलते हैं, अगर इंडिया का MCX का क्रूड का चार्ट जो चल रहा है वही आपको US ऑयल का चार्ट चलेगा। चार्ट के स्ट्रक्चर सब जगह एक होंगे। ओके। और सर अपने को ये अपना ये ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहिए एनजी के? देखिए डिपेंड ऑन योर कैपिटल। देखिए डिपेंड आपकी कैपिटल पे। अगर पूरा लॉट लेने के आपके पास कैपिटल है तो आप लॉट ले सकते हैं, वो मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख का आएगा। बट आपको लगता है मैं CEP लेता हूँ तो 35,000 to 40,000 का एक CEP आता है। जनरली ज्यादातर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वो आपको मार्जिन कम लगता है। तो CEP अपने को दोनों तरफ बाय के इसमें लेके चलना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से आप बैंक निफ्टी का करते हैं क्रूड का भी उसी तरह से आप CEP ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। ज़ीरोधा में कर सकते हैं, एंजल में। अब ज़ीरोधा अपने को हेज में चलना है कि वन साइड डायरेक्शनल चलना? दोनों। जैसी आप हेज भी कर सकते हो। देखिए आपको पहले सबसे पहले देखना चाहिए मार्केट के डायरेक्शन कहाँ जा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन का आइडिया आता है और आप अगर 70-80% भी एक्यूरेसी के साथ डायरेक्शनल मूव को पता कर पाते हैं तो आप वन साइड नेकेड में जा सकते हैं। और जिस तरह से आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेलिंग करते हैं या हेज करते हैं, सेम यू कैन थिंक इन क्रूड। बट फर्स्ट आपको मार्केट को रीड करना और उसके डायरेक्शन को पता करना आना चाहिए, तो आप क्रूड में अच्छी तरह करिए। तो क्रूड में 50 पॉइंट तो आपको मिल ही जाते हैं वन साइड, जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी में अपन लेते हैं। क्रूड इज वेरी इजी कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी, वेरी फ्रेंकली अगर मैं बोलूँ तो। अच्छा, तो अपने क्लास में क्रूड और एनर्जी का भी हम लोग सिखाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं तो ज्यादातर इस पर ध्यान देता हूँ क्योंकि 2-3 चीजें हैं। एक तो लेवरेज अच्छा मिलता है, वेटेज अच्छा है, टाइम भी अपने को सूटेबल है। कई बार आपको रात को अगर लगता है 8 बजे बाद मुझे मार्केट में एंट्री करनी है ट्रेडिंग के लिए, तो आप कर पाते हो। ओके हरिका जी, यस मैम, आई विल ट्राई टू गिव अ कॉल्स और डेफिनेटली मैं दूंगा। मेरे को जैसे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली जब भी क्रूड में आता हूँ आप कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर दूंगा मैं उसमें। थैंक यू सर। हम लोग ने इसमें मेटालाइट में आप बोल रहे थे ना कि क्रूड ऑयल और एनजी का कॉल मेरा शुरू करने वाले हैं, तो अच्छा करने वाले हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं सर, और बिल्कुल मैं फ्री में तो दे रहा हूँ। बिल्कुल मैं मेटालाइट में एक कॉल नेचुरल गैस का बिल्कुल मैं चालू कर रहा हूँ। अगले वीक में आपको कुछ कॉल्स देने की कोशिश करूंगा, बट इवनिंग टाइम ओनली, आफ्टर 6, नॉट बिफोर 6। और पोजिशनल होगा तो मैं पोजिशनल में दूंगा आपको। अच्छा, तो स्विंग में नहीं मिलेगा ना अपने को? मेटा स्विंग में? स्विंग में सर इन चीजों को आप होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा, ये अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से काफी वोलेटाइल है। तो आप तो यही कि इंट्राडे में करिए अपना, एक 25-50 जो भी टारगेट है लीजिए और अभी क्लोज कर दीजिए। अभी क्या हो रहा है सर कि अभी ग्लोबल इवेंट भी बहुत हिट करते हैं। मान लो आपने कोई पोजीशन लिया और ग्लोबल इवेंट ऐसा कुछ है, और कोई ऐसा ओपेक का भी बहुत पंगे चल रहे हैं, बिकॉज क्रूड के अंदर इसमें क्या ये लोग प्राइस ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर ये एक्टिविटी भी कर रहे हैं। पर जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं उतना ये नीचे जा रहा है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को बोलना तो म्यूट खोल के बात करें। तो क्रूड के अंदर बेटर आज की तारीख में यही कि आप है ना इंट्राडे कर लो, ठीक है, या फिर एक आध दिन का कोई गैप अप गैप डाउन खेलना है तब आप कर लीजिए। तो मैं इस पर कॉल्स बिल्कुल दूंगा आपको। आप लोग हैं सर मेटालाइट में? सर मैं मेटा स्विंग में हूँ। मेटालाइट का मैंने एक हफ्ता पहले यूज किया था उसको। देखिए मेटालाइट पे साइकोलॉजिकल डिस्कशन मैंने टाइप किया है, मैं आज आपको देने वाला हूँ आफ्टर दिस मीटिंग और इवनिंग। देखिए मैं वहाँ पर दिन भर में बहुत सारे कॉल दूंगा आपको, 1 या 2 ही आप लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है स्टॉक्स में नहीं जाना है तो ओनली निफ्टी लीजिए, नए हैं तो बैंक निफ्टी लीजिए। और इसमें अभी क्या है ना कि जैसे स्टॉक्स के मैं देता हूँ, मैं जानबूझ के ओटीएम देता हूँ ताकि लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते हैं, कोई 15,000 के अंदर काम करना होता है, तो आप 1 या 2 दिन होल्ड करें उसको। और अगर आप मेरी कॉल्स के साथ कुछ चार्ट वार्ट देखते कुछ कंफर्म कर सकते हो तो और अच्छी बात है। आपको एक ही ध्यान रखना, लेवल आया है तो ही एंट्री करनी है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने HCL टेक्नोलॉजी दिया है, हमारी एक्यूरेसी कितनी है आप लोग जानते हैं, लगभग सभी का कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है। तो आप टारगेट 1 लेके निकल जाइए क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक टारगेट लेके आप आगे से आगे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, बिना लेवल के, यानी कि हमने बोला कि एंट्री लेवल ये होगा तो आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। एंट्री नहीं है ये, उसके पहले अगर एंट्री ले लिए तो अगर मान लो गलती से रिवर्सल आ गया तो वो लॉस कर सकता है, इसलिए बिना लेवल आए एंट्री ना करें। दूसरी बात सर, हम सभी है ना एडवांस में लेवल देते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, हमारा लेवल एडवांस में, अगर वो लेवल पे आया ना तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, तो वेट करें। मार्केट आपको वेट करने को बोलेगा और जो प्रोफेशनल हैं वो लेवल पहले से निकाल के वेट करते हैं, यानी कि ट्रेड में एंट्री लेने के बाद भी नहीं सोचूंगा अब मैं क्या करूँ, पहले से सब डिसाइड हो जाएगा। यानी लेवल, एंट्री, एग्जिट, रिस्क, रिवॉर्ड वो कैलकुलेट किया है, लेवल पहले से दिया है, अगर टारगेट हुआ, हिट हुआ, ट्रिगर हुआ, हम एंट्री लेंगे और अपन वेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा टारगेट है कि 2000 रुपीज़ प्रॉफिट और 1000 रुपीज़ लॉस, अपना साइकोलॉजिकल लेवल आप इस हिसाब से। हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको एसएल बहुत अजीब लगता होगा, कई जने मुझे बोलते हैं सर ये बहुत रिस्क ऑट, बिकॉज क्या होता है कि हम तो देख रहे हैं स्पॉट का चार्ट या फ्यूचर का चार्ट और एंट्री ले रहे हैं अपन सी या पी पे इन द मनी में। तो अब क्या होता है कि ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, हालांकि ऑप्शन में स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है। अगर तरीके की बात करते हैं, स्कैल्पिंग करने के लिए भी ऑप्शन के लॉट नहीं होते हैं, बट इंडियन मार्केट में ये लोग करते हैं और ये हैबिट बन गई है, तो ठीक है चलो। बाकी स्कैल्पिंग करनी है द बेस्ट वे इज फ्यूचर लॉट, बट इतना पैसा नहीं होता है लोगों के पास, ऑप्शन बाय करके होल्ड करने के लिए होता है। मेरे पास कोई बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी है जिसमें आप सीपीओ एक साथ बाय कर ले, बट आज का मार्केट वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है बिकॉज विक्स बहुत कम है, 15 के नीचे है, तो आपको वो बड़े मूव नहीं मिलेंगे। एक आध बार वीक में, दो वीक में एक बार कोई बड़ा मूव आ गया तो आ गया। बाकी बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 100-150 पॉइंट की रेंज में खुल के बंद हो रहा है, निफ्टी तो पूरी रेंज 25-50 पॉइंट की रेंज में आ रहा है। तो अगर 18 के बाद विक्स आएगा तो मैं आपको 2-3 ऐसी स्ट्रेटेजीज दूंगा, प्रॉफिट होता ही होता है बट आपको होल्ड करना पड़ेगा। ओके सर, और ये अपना जो आप बोलते हैं ना कि जो एंट्री लेवल हम लोग देते हैं तो उसमें अपने को एंट्री कैंडल क्लोज होने के बाद देना है कि कैंडल ट्रिगर बेस। हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से होती है, हमारे यादव सर भी इसमें काफी मेहनत करते हैं बनाने में। तो अगर ट्रिगर होता है डेफिनेटली यू टेक एंट्री, क्योंकि वो ट्रिगर होने का मतलब है कि अब ये आप रिकॉर्ड पे खड़ा है तो प्राइस आप एंट्री लीजिए। 5 मिनट का कैंडल पे ले लेंगे आपने को। देखिए एनालिसिस तो हमने किया है, मान लीजिए हम करते हैं, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी करते हैं। हमने एक लेवल निकाल के दिया है कि आपको बैंक निफ्टी का 43,500 का एक सीए व्हाटएवर जो भी हमने दिया है, अगर वो इस लेवल पे आया है तो आपको एंट्री करनी है। टारगेट आप इतना लीजिए, एसएल ऑप्शन में एसएल आइडेंटिफाई करना आज की तारीख में इस हिंदुस्तान में 90% लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो फ्यूचर ऑप्शन में स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं और एंट्री लेते हैं अपन डेरिवेटिव्स के चार्ट में, यानी कि वो डिफरेंट एंटिटी होगी पूरी, वो दुकानदारी पूरी अलग हो गई। ओके, तो मेटालाइट में अगर आप आते हैं, आपको पता है एंट्री ट्रिगर हुई, आप अपना टारगेट रखें कि 25 पॉइंट मिले मैं फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करूंगा। हमारे यहाँ एंट्री हुई है तो पहला टारगेट तो आता ही आता है, दूसरा तीसरा तो और एक्यूरेसी बढ़ती है तब आता ही आता है, पहला टारगेट आते ही आता है। आप अगर मुझे पता नहीं आप कितने लोग मेटालाइट में हैं, मेटालाइट में एक स्टॉक का लीजिए और एक इसका लीजिए, बस टोटल दिन में 2 ट्रेड करिए। हर ट्रेड करके कंफ्यूज होने के मतलब नहीं, देखो मैं मानता हूँ। दूसरा, आप अगर मान लीजिए ऑप्शन बायर हैं खाली तो धीरे धीरे थोड़ा पैसा कैश बाइंग में लगाइए, यानी कि कई बार मैंने देखा है सर लोग आते हैं ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, विदाउट नॉलेज पैसा लूज होता है और वेल्थ नहीं बनती है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो आप ऑप्शन बाइंग के लिए 20% फंड यूज करें, बाकी 50% यूज करें आप कैश बाइंग के लिए, तो बाकी 25% आप रिजर्व रखें। कभी आपको एग्जिट करना है, कभी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपके पास पैसा खाते में होना चाहिए। तो माई आइडिया इज दैट कि आप खाली ऑप्शन बाइंग करके सिर्फ पैसा बनाने की सोच रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा कैश बाइंग करिए। कैश बाइंग में आपको ज्यादा बड़े नुकसान नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई कैश स्टॉक खरीदा है, मान लीजिए आपने टाटा मोटर खरीद लिया, गलती से कभी आपका टारगेट नहीं आया और स्टॉप लॉस लगा और वो 3% टूट गया तो भी 3000 का ही नुकसान होगा। बट ऑप्शन में अगर आप ले रखा वो 3% टूटा तो आपका 70% पैसा चला जाएगा ऑप्शन के अंदर। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे है ना मल्टीपल सेगमेंट डेवलप करने मेरे, मैं थोड़ा पैसा ऑप्शन के लिए लगाऊंगा और थोड़ा पैसा मैं कैश के लिए, तभी जाके आप कहीं ना कहीं अपना यू नो बैलेंस कर पाएंगे। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। अगर आप बोलते हो तो मैं इस पर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, डेफिनेटली आई एम रिलीजिंग वन वीडियो, डिटेल वीडियो ऑन दिस। ओके, दूसरा आप अगर मान लीजिए डेली कुछ भी प्रॉफिट कर रहे हैं, सपोज आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, आप 10 या 20% डिसाइड करिए, या तो 10% मिनिमम या 20%। मैं वो पैसा कैश बाइंग करके अगले एक साल के लिए भूल जाऊंगा, कोई भी Nifty 50 की, Nifty 100 की, जो आपको अच्छी कंपनी लगे, Nifty 15 या Nifty 10 जो आपको भरोसे, HDFC, रिलायंस, जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये पोटेंशियल है, आप जो भी प्रॉफिट करेंगे डेली मार्केट बंद होने के पहले, जैसे आपने 10,000 अर्न किए हैं, 1,000 या 2,000 रुपए का कैश बाइंग उसके नाम से उस प्रॉफिट को आप इंटेक्ट कर लेंगे कहीं और। ये भी आप प्रैक्टिस डेवलप करिए सर। और एनजी में अपने को डेली में कितना मार्जिन लगता है? जैसे क्रूड में इसका सीईओपी अगर लेते हैं तो 40 से 50,000 में आता है एनजी का सीईओपी एट द एटीएम। हाँ, फ्यूचर का सर लगता है 5.5 लाख लगता है नेचुरल गैस का। ओके, देखिए 50 का क्वांटिटी है और अभी जो प्राइस चल रहा है आप उससे मल्टीपल करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा 3 लाख 3.5 लाख लगता है। यस हाँ, और इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए सर। कोई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उन्हें पासकोड पूछ रहे हैं सर। आई एम नॉट हैविंग एनी पासकोड बट लेट मी $343433। I don't know why passport is asking that. 343433. 343433. हाँ जी। Okay sir, thank you. ये ली, yes please. तो आप थोड़ा अपना कैश में पोर्टफोलियो बनाइए, थोड़ा ऑप्शन में करिए। Okay, okay sir. ज्यादातर मेरा कैश में मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत ऑप्शन में करता हूँ। Okay, okay. वीडियो नहीं आ रहे, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और अभी सोच रहा हूँ क्रूड पे एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आज ही बनाने का सोच रहा हूँ और एक साइकोलॉजिकल वीडियो बना रहा हूँ। क्रूड आप मेटालाइट ज्वाइन करेंगे तो मैं ट्राई करूंगा वहाँ पे आपको क्रूड के कुछ कॉल्स देने की कोशिश करूँ। ओके, देखिए आपको ट्रेडिंग करना है ना इंट्राडे, आप देखो पहले आप पता करिए कि आप इंट्राडे वाले हो, आप स्कैल्पर हो, आप पोजिशनल हो, आप स्विंग हो। कई बार क्या होता है रैंडमली एंट्री ले ली, फिर सोचते हैं अब क्या करें, फिर वो ढूंढते फिरते हैं, वो वाला काम मत करो। यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? क्रूड और एनजी का देने का देखिए, मेटालाइट में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मैं क्रूड और एनजी के लिए करता हूँ कुछ आपके लिए डेफिनेटली। यस सर, ओके, बट आफ्टर 6 डेफिनेटली 1 या 2 कॉल में एनजी क्रूड के देता हूँ। हेलो, यस सर। सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। ना ना सर, सर जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो अपन नीचे वॉल्यूम देखते हैं, डेल्टा 40K के ऊपर होता है तो बाई करते हैं, वैसे कोई पर्टिकुलर अगर स्टॉक में देखना है तो कितना नीचे? देखिए परेश जी, पहली बात तो डेल्टा ये होता है तो ये होता है, ये एक गलत धारणा है, काफी कंफ्यूजन है, मैं काफी टाइम तक यूज किया है, फॉरन में भी यूज किया है। आपको भी नहीं पता होता है कि मार्केट एक दिन में कहाँ तक जा सकता है, इसलिए यही डेल्टा होगा। आप बोल रहे हो मेरे ख्याल से 5 मिनट की कैंडल का, आप 30 मिनट यूज करिए। आप ये देखिए पिछली कैंडल से डेल्टा और अगर मान लो और पॉजिटिव हो रहा है और जीरो लाइन के ऊपर है, इस तरह से देखिए 40K 50K, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर लेके डेल्टा को मत देखें, आप कभी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ओके सर, वैसे पर्टिकुलर अगर स्टॉक में भी अगर फ्यूचर में देख रहा हूँ कोई भी एफएनओ के, तो सेम प्रोसीजर यूज करनी है या उसमें कुछ सेम आपको डिफॉल्ट? देखो पहले तो क्या करना है, गो चार्टिंग ने बहुत अच्छा बनाया, मैं इनकी टीम का भी मेंबर हूँ, मैं वही यूज करता हूँ। आप है ना डिफॉल्ट सेटिंग यूज करिए। ओके, डिफॉल्ट सेटिंग यूज करिए, ऑटोमेटिकली उसका एटीआर डेल्टा कैलकुलेट करता है। तो हर स्टॉक का अलग, कोई स्टॉक 10 रुपए की रेंज का होता है, कोई स्टॉक 2 रुपए की रेंज का होता है, आप डिफॉल्ट यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसमें प्ले करिए, आप चलेगा। ओके 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 सर। सर वैसे जैसे कोई एफएनओ के स्टॉक में अगर पोजीशन बनानी हो हफ्ते 10 दिन के व्यू के लिए तो कैसे बना सकते हैं सर? मतलब उसके लिए क्या, मतलब देखिए हफ्ते 10 दिन के लिए एफएनओ में बनानी है तो आपको पहले उसका ब्रेकआउट है या आपको रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि आप एक तो पिवट पॉइंट फिबोनाची यूज़ करिए, प्राइस एक्शन यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है और कुछ ये आगे जाने का पोटेंशियल रखता है और वो एफ एंड ओ का है, तो आप ऑप्शन चेन भी देख लीजिए कि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि यस फ्रेश ओपन इंटरेस्ट आया है और इसके अंदर जैसे अभी काफी स्टॉक में आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखने को मिलेगा कि अब धीरे धीरे ना लोग बेचने के मूड में आ रहे हैं, तो स्टॉक में आप थोड़ा सा एडवांस में ये देख सकते हैं कि इसके पुटकॉल, आप पुटकॉल रेशियो देख लीजिए, अगर वो 1 के ऊपर है तो ये समझ के चलेगी इसमें ओपन इंटरेस्ट बायर साइड ज्यादा है, फिर प्राइस एक्शन से आप एंट्री ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। यस देखिए आप आईटीसी होल्ड कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर आईटीसी, ये अभी है ना, देखिए एक बात बताता हूँ, अभी एफएमसीजी स्टॉक चलने लगे हैं, टाटा स्टील एक लास्ट क्वांटिटी में, टाटा स्टील भी अच्छा ही है, और मैं स्क्रीन शेयर नहीं करने वाला हूँ सर आज डिस्कशन के लिए, एंड अगर आपको कुछ देखना तो मुझे बताइए। तो आप पोर्टफोलियो अच्छा है, आप अपना एक स्टॉप लॉस का लेवल निकाल के उनको होल्ड कर सकते हैं, और लगता है ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस निकल जाइए, अगर प्रॉफिट में तो निकल जाइए। और अब मार्केट सर आप बोल रहे हैं कि ओवर वैल्यूड है, डेफिनेटली आरएसआई 70 के ऊपर है, अब ये कब नीचे गिरेगा, कब करेक्शन आएगा, वो कल होगा परसों का हमको नहीं पता एडवांस में, वो दिन हम नहीं निकाल सकते। यस आएगा जरूर, हमको पता है कि करेक्शन आएगा, वो कितनी बजे आएगा, कौन से दिन आएगा, वो थोड़ा सा एक टाइम लग सकता है, इसलिए आप अपने लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और आपको लगता है इससे नीचे जा रहा है एक बार एग्जिट मार लीजिए। अगर आप चाहें तो रेंज फिल्टर यूज करिए, वो आपको अच्छी रेंज बता देगा, मेरा एक इंडिकेटर दे रखा है मैंने रेंज फिल्टर, वो आपको रेंज जो स्टॉक की रेंज है ना वो आपको बता देगा। आप 30 मिनट आवर टाइम फ्रेम पे देखिए अगर लॉन्ग टाइम वाले हैं कैश वाले, और 4 आवर कैंडल भी देखिए आप, और आपको अगर वीकली होल्डिंग रखना है तो आप डेली टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। डिम्पू कुमार जी पूछ रहे सर बैंक निफ्टी निफ्टी, देखिए अगर आपके पास पहले तो आपको लेवल निकालना सीखना होगा सर, अगर आप लेवल निकालना सीख पाते हैं डिम्पू कुमार जी, आप ये लगाइए कि मान लो मेरा 18,000 के नीचे निफ्टी गया तो मैं एग्जिट मार लूंगा, और 18,350 यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 18,500 आया वापस घूम फिर के, अब 18,500 होल्ड करा तो अगला लेवल उसका ऑप्शन चेन के हिसाब से आप देख के पता लग सकती है, 18,550 और 18,600 जाने की ताकत रखता है, फुटकॉल रेशियो भी पॉजिटिव है, डेल्टा वगैरह अगर आप देखते हो ठीक है, उसके बिना भी आप कर सकते हो। तो आप एंट्री लेंगे 18,500 पे, अब मान लीजिए कि नीचे आने लगा तो 25 पॉइंट यानी 18,475 में निकल जाऊंगा, या और टाइट एसएल सॉरी बड़ा एसएल रखना है तो आप 18,450 के नीचे निकल जाइए, टारगेट 200 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर ले सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका अच्छा मिल रहा है आपको, तो इस तरह से आप अगर प्ले करेंगे तो सर ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय आप ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो थोड़ा आपको वो ट्रिक सीखनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा इस पर एक वीडियो बनाने के लिए सर। बंद करो, थैंक यू। यस हेजिंग, आप ऑप्शन सेलिंग हेजिंग की बात करें तो डेफिनेटली मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है मेरी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, और भी मैं कुछ फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, हमको आजकल 2 एक्सपायरी मिलती है, सो मैं ट्राई करूंगा हेजिंग पे कुछ आपको वीडियो बना के दूँ। क्रूड में मार्जिन देखिए सीपी लेते हैं एट द मनी का, तो यू विल टेक 40,000 45,000 के आसपास। देखिए सर मैंने कोई पोर्टफोलियो एसएल तो बना नहीं रखा है, बट ये है कि आप जो भी डेली कैंडल है जहाँ पे आपने एंट्री ली है एसएल को ट्रेल करते चलिए, और एक पिविट पॉइंट फिबोनाची करके मैंने इंडिकेटर का एक डिटेल वीडियो दे रखा है, तो आप पिविट्स को जो उसके पिविट्स के लेवल है उस पर आप अपना एसएल और टारगेट आप डिसाइड कर पाएंगे, वो जरूर देखिएगा आप, मेरी वॉच लिस्ट में मिल जाएगा आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए पिवट पॉइंट यूज करना वो बहुत लीडिंग चीज है, और मार्केट वहीं पे रिएक्ट भी करता है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी यूज करते हैं तो भी पिवट पॉइंट फिबोनाची जरूर लगा के देखिए, ये आपको कमाल के रिजल्ट देगा। थैंक यू सर। वो आपका इंडिकेटर कहाँ मिलेगा पिवट पॉइंट्स का, और जो आपने बताया मेरा यूट्यूब चैनल है सर मेटावर्स ट्रेडिंग एकेडमी, और मैं होगा तो इस मीटिंग के बाद मैं मेरे मेन ग्रुप में वो इंडिकेटर वाला जो है पिवट पॉइंट वाला वो पोस्ट कर दूंगा, आप वो जरूर यूज करें, ये आपको बहुत कमाल के रिजल्ट देगा। हाँ सर, देखिए मुझसे पूछते हैं ना मैं क्या यूज करता हूँ, मैं सिर्फ 2 यूज करता हूँ, मैं पिवट पॉइंट और वीवैप, ये 2 चीज होती ना मेरा काम हो जाता है, उसके बाद मैं ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, तो ये चीजें ही मेरे लिए काफी है, तो मैं अच्छी तरह से ट्रेड कर पाऊंगा। राइट सर, अगर जैसे कि आपने बताया कि देखो अगर आप बोले क्योंकि मेरा कैसा थोड़ा सा जॉब भी रहता है, तो यूजुअली 9:30 to 11 के बीच में एवरीथिंग इज मोर इनटू स्कैल्पिंग, सो सर आप फिर स्कैल्पिंग के लिए तो 15 और 30 मिनट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, या तो फिर एक कैंडल का मूव या 2 सपोर्टिंग कैंडल अगर हेल्प आ रही है तो यू नो, तो वी ट्राई टू बाय इट एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, और सुबह का क्या है ओआई का वगैरह देख के। सर आप एक काम करिए, 30 मिनट का जो वीएफ है ना वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना गया है, करेक्ट। आप ट्राई करिए दोनों एक बार, आप भले ना भी ट्रेडिशनल वे जो आप यूज करते हैं करिए, एक बार 30 मिनट को भी आप ध्यान में रख के उस हिसाब से देखने की कोशिश करिए। अगर आप 30 मिनट चार्ट पे कंफर्टेबल हो गए जिस दिन, स्कैल्पिंग ज्यादा इजी होगी वहाँ पे, आपको अर्ली एग्जिट नहीं मिलेगा। देखो आप क्या होता है, 5 मिनट का कैंडल यूज करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लो चार्ट ऊपर गया, एक दो रेड कैंडल देख लिया आपने, आप एग्जिट मार लेंगे। जबकि आपको 30 मिनट और 15 मिनट या 30 मिनट पे, मैं देखो मैं बताता हूँ मेरा पर्सनली, आई वुड लव टू स्कैल्प ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। आप ट्राई जरूर करिए एक बार। अब मैं हो सकता है आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन करने के लिए आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा 2-3 दिन। ट्राई करिए सर। दूसरा मेरा एक स्ट्रेटेजी है कि 4th कैंडल ऑफ 30 मिनट का ब्रेकआउट आता है दिन में कभी भी, वो लेवल आप मार्क करके चलिए। 50 पॉइंट मिनिमम टारगेट, उससे ऊपर भी जा सकता है 30 मिनट का ब्रेकआउट। ये स्ट्रेटेजी से लोग पैसा रोज कमा रहे हैं। 80% 90% एक्यूरेसी विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी यू नो अदर। अब वो क्या करना है कि 11:15 पे जो कैंडल क्लोज होगी 30 मिनट की, उसका हाई लो आप मार्क कर लीजिए। जिधर जो खोलता है तो लेवल टूटता है, आप उस पर एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर। एनी मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्निकल ट्रेडिंग? और आप में से कोई हमारे मेटालाइट में रेगुलर है तो भी आप बता सकते हैं। फीडबैक है, आपको कुछ फीडबैक देना है, डेफिनेटली वी लव टू लिसन योर फीडबैक। हेलो यस सर। सर मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हूँ लास्ट 1 ईयर से, लेकिन सर आपके जो भी कॉल्स है वो एकदम ऑसम है सर। पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग और पॉइंट टू पॉइंट प्रॉफिट भी आता है सर, भले छोटा है या बड़ा है डजेंट मैटर, बट सर आपके एवरी कॉल मतलब अगर आपने 10 कॉल्स दिए तो सब 9 to 8 कॉल्स आपके सर प्रॉफिटेबल ही रहते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए हम कॉल एक तो मैं निकाल के देता हूँ और हमारे सागर सर हैं, हम प्राइस एक्शन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर डेटा भी देखते हैं। लेकिन सर जो आपका लेवल है ना सर, वो एकदम मतलब अनबिलीवेबल है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर मार्केट में है ना बड़े अलगोज काम करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बड़े FIS DIS है, जो भी बड़े जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ मार्केट में क्या होता है सर। बड़े अलगोस है ना लेवल्स पे डिसाइड होता है, यानी कि एक लेवल आया डे लो, अब डे लो पे या तो नया बायर वेट कर रहा होगा लिमिट ऑर्डर लगा के कि जैसे डे लो आएगा मैं बाय करूंगा, या फिर एक सेलर भी एक्टिव हो सकता है कि जैसे डे लो आएगा मैं सेल कर दूंगा। आप भी ये टारगेट लगाते होंगे कि यार इस लेवल के नीचे आया मुझे एंट्री लेनी है, इस लेवल के ऊपर आ गया तो मुझे एग्जिट करनी है। तो जो अलगोज होते हैं वो लेवल टू लेवल, यानी कि मान लो आज VWAP पे आया तो वापस बाय करनी है मुझे। बाय ऑन डिप क्या होता है? अगर आपको बोलते हैं ना बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस, अब आप इंट्राडे हैं तो आपको बाय ऑन डिप यानी हर चीज को आप VWAP से जरूर कंज्यूम करें। VWAP का मतलब ये होता है कि मार्केट की फेयर वैल्यू की प्राइस, यानी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। जैसे मेरा एक एप्पल टमाटर वाला एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? अगर किसी को नहीं आ रहा तो हैंड राइस कर सकते हैं प्लीज। सो आपको मार्केट की फेयर वैल्यू, देखिए आप भी मार्केट में बिजनेसमैन होंगे, जाते होंगे, चाहे आप किराना समझो, सब्जी या जो भी आप मार्केट में स्टील, आपको ये पहले पता होता है कि मार्केट में प्राइस जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। तो मार्केट अपनी फेयर वैल्यू को डिसाइड करता है। अब बायर ज्यादा है तो फेयर वैल्यू ऊपर बढ़ती जाएगी, सेलर ज्यादा है तो फेयर वैल्यू उसकी नीचे जाती जाएगी। उसको जज करने के लिए आपको VWAP पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप VWAP से एंट्री लीजिए, ठीक है। 30 मिनट के VWAP पे आप कंफर्मेशन कर लीजिए। जैसे सागर सर अभी मैसेज टाइप कर रहे हैं, सागर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये सर अभी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि VWAP को किस टाइम फ्रेम में यूज करना है, इसलिए मैंने वो आंसर डाला उन्हें। तो सर आप बोल के बताएंगे तो प्लीज। यस यस, नहीं उनका चैट पे क्वेश्चन आया था इसलिए वो वहाँ पे टाइप करके भेजा उनको। ओके ग्रेट। यस सर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। तो मार्केट है ना लेवल प्ले करता है। अब होता क्या है ना कि आप और हम तो क्या है, मोबाइल के अंदर ज़ीरोधा का हाथ से अपन ने स्वैप कर लिया, ऑर्डर लगा दिया। अलगोज जो होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल अलगोज, वो हर लेवल पे देखिए कई लेवल आया, मान लो वीकली हाई आया या वीकली लो आया, या इंट्राडे में डेली डे लो आया, डे हाई आया, डे हाफ आया, ठीक है। वहां पर अलगोज एक्टिव होते हैं। अब कोई अलगोज सेल करने के लिए बैठे होते हैं, कोई अलगोज बाय करने के लिए होते हैं। अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, तो जब तक सेलर नहीं होगा तो मार्केट में बायर की कोई डोमिनेंस या एग्जिस्टेंस नहीं होगी। जब तक आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी होगा किसी ने बेचने के लिए रखा तब आप उसको खरीद के लेके आए। तो सेलर बायर, कभी बायर सेलर बन जाते हैं, सेलर बायर बन जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि मोटा मोटा सारी पार्टियां एक होती है। तो कई लोग ये सोचते हैं सेलर अलग कम्युनिटी होती है, नहीं। बायर अभी आज बाय कर रहे हो आप, आपने टाटा स्टील बाय किया, आपका टारगेट आया तो आप सेलर बन गए। उसी तरह से पहले आपने सेल कर दिया यानी शॉर्ट पोजीशन ले ली, आपका टारगेट आ गया तो आप उसको बाय कर लेंगे। तो बाय सेल इज अ प्रोसेस ऑफ द मार्केट। बेस्ट इंडिकेटर, अगेन आई एम टेलिंग द बेस्ट इंडिकेटर इज पिवट पॉइंट, फिबोनाची एंड लेवल फॉर ए लेवल एंड VWAP। Excuse me sir. Yes sir. Hello. Yes sir. सर अभी आपको पता नहीं कि मुझे पता नहीं सर, मैंने आपके कॉल पे एंट्री ली थी क्षितिज पॉली करके सर, वो आपके सर्किट वाला था तो वो स्क्रिप्ट एकदम बहुत मस्त थी। मैंने एंट्री ली थी 130 पे और वो गया था 275 तक। ओके, मतलब अनबिलीवेबल कॉल थी सर वो तो, सर्किट वाला। सर आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने शायद 3 दिन पहले यस बैंक रात को डाला था थर्सडे को। यस यस सर मैं देखा था सर, वो दूसरे दिन वो ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे खड़ा है। अब यस बैंक के बारे में कुछ सोच नहीं सकता 100% सर। तो हम चाहेंगे सर देखो, एक कोई चीज ऊपर जा रही है तो सबको पता जा रही है, उसमें मैंने आपको बता के कौन सा बड़ा कर दिया। पहले पकड़ना वो जो स्केटिज पॉली वाला कॉल था ना सर, वो मतलब आपने अर्ली एंट्री माराई थी वो तो, उसमें बहुत बस था वो। देखिए सर हम है ना वीक में कम से कम 10-12-15 कॉल कंफर्म देते हैं अगर लेवल आया है। अगर आपको लगता है सर कि आप दिन भर निफ्टी बैंक निफ्टी से थक गए हैं, उधर चल रहा है उधर मेरे को कुछ ऐसा कि मेरे को कैश में ट्रेड मिले अच्छा, जिसमें स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस हो टारगेट बड़े हों, तो डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करिए मेटा स्विंग हमारा, वो काफ़ी लोग उससे पैसा भी बना रहे हैं। और आई एम नॉट हियर टू मार्केट माय प्रोडक्ट, पहली बात तो आपने बोला है इसलिए बात कर रहा हूँ सर मैं, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट माय सर्विसेज। वो तो आप खुद देखिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आप खुद एक्सपीरियंस करिए। मैंने सर 199 रुपीज़ पर डे लगाया, इट्स वेरी चीप। आपको आना है तो एक दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, वीकली आइए। आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन टू ज्वाइन, बट आपको ट्रेडिंग स्टाइल आना चाहिए, आपको ट्रेड करना आना चाहिए। एंट्री टाइप में करेंगे आपका, अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आता है तो वो आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको एंट्री अच्छी दूंगा। अब कई बार क्या होता है सर कि मैंने 4 रुपये का वेदांता दिया, अब वो 2 दिन के अंदर चला गया 40 रुपया 30 रुपया ऐसे, तो कई बार मार्केट में मेगा ब्रेकआउट आने वाला है। तो मैं बोलता भी वो ब्रेकआउट है, तो आप अगर खुद चार्ट देखना जानते हैं, अगर आपको खुद को लगता है कि हाँ मुझे टेक्निकली देखना पसंद है, तो आप हम जो देते हैं डिटेल्स उस पर आप चेक करके लीजिए सर। और स्विंग का और इसका लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, अगर आपको चाहिए इनकी डिटेल्स तो ग्रुप में मिल जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग आई एम ओनली टू डिस्कस ट्रेडिंग, बट आप मेरे मेटालाइट और स्विंग की डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट सर्विसेज। और मैं यही बोलता हूँ कि आप मार्केट में देखते हैं काफ़ी लोग वीडियो भी बनाते होंगे करते होंगे, लाइव मार्केट में जो मार्केट को जज करता ना सर वो ही असली ट्रेडर होता है। एंड वी आर अ ट्रेडर फर्स्ट, हम लोग सब ट्रेडर हैं। आई एम ऑल्सो हैंडलिंग अ बिग डेस्क। सो एनी क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाय विकास सर। हाय सुमन जी, थैंक यू सर। सर या आई एम फ्रॉम बैंगलोर, सो आई बेसिकली वर्क फॉर नाइट शिफ्ट, सो आई सी लॉट ऑफ मैसेज कमिंग इन लेट नाइट सर. I just want to thank you and your team for your efforts and analysis you do until 12 o'clock. I see your messages coming free in Telegram channels. Thank you so much. Thank you, sir. I'm actually, I want to that my community should grow. Everyone should make a profit. How we can help them? Sir. Yeah, we are also referring our friends who are interested in trading, sir. Definitely. And in every morning I am providing some important levels to you, so you can yes. You can be aware that the levels are very important, because this is game of level and data. Absolutely. If level means price action, it could be a volume or a market profile, and data means option chain or delta. So if you have a knowledge of these things, definitely you can make a good money. And my most of the students are very good. I am almost recovering a loss of every 4-5 people in every month. Yes, sir. I am very happy to see that. I see that, yeah. Thank you so much for your effort, sir. Thank you, sir. Sir ji, namaste. Dhanraj बोल रहा हूँ. Dhanraj ji, yes sir. कैसे हो सर जी? Fine, fine sir. How can I help you, Dhanraj ji? थोड़ा गैप लिया था सर. Okay. पहचानते हो ना सर जी मैं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल धनराज जी, I know you. So how's thing, everything बराबर है सब? हाँ सब बढ़िया है सर अभी. चलिए आइए. See, मेरा ये मानना है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए हमारा लाइव मार्केट में, then you join to those Metalite mostly for intraday. वहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के कई बार देखो मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो हम हो सकता है 1 या 2 ही देंगे, पर मार्केट में जितना सपोर्ट यानी कि आप देखेंगे फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव आए थे, तो नीचे ऊपर करके सब जगह दिए। हम लोग थोड़ा ITM देते हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका कुछ पैसा बन जाए इंट्राडे में। तो स्ट्राइक प्राइस हम डीप में लेते हैं। अगर आपको करना खुद को आता है तो आप अपने हिसाब से भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एंट्री पॉइंट। हेलो सर। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सर आपका मेटालाइट का टेलीग्राम चैनल है सर? यस मैम, यस मैम। सर लिंक शेयर कर। हाँ, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। यादव सर ने मॉर्निंग में पेश किया। देखिए मेटालाइट ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे। अब मैं ये पता है मेरा क्या है, मुझे 11 बजे ब्रेकआउट दिखा, मैं 11 बजे डाल देता हूँ। वो टीवी पे आपको नेक्स्ट डे मिलता है। आप देखना, मुझे नहीं पता कितने लोग मॉनिटर करते हैं। हमारा दिया हुआ बाद में टीवी पे आता है। आई डोंट नो कितने लोग इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि मैं सिर्फ निफ्टी के कॉल लूं या मैं बैंक निफ्टी के कॉल लूं। स्टॉक्स के 10 आ रहे हैं तो मैं एक या दो ले लूं। आपको इंट्राडे में लेना है, आपको लगता है होल्ड करना है। हम लोगों को वहाँ पे टारगेट भी देते हैं। अगर इनिशियली आप नए हो, फर्स्ट टारगेट आ जाए, एक बार प्रॉफिट बुक करिए, देन वेट फॉर अ नेक्स्ट कॉल। इफ यू आर हैविंग ए एक्सपीरियंस देन यू कैन गो फॉर अ नेक्स्ट टारगेट 2, 3, 4 व्हाटएवर जो आप अगर आप खुद से निकाल सकते हैं। इफ यू आर सेल्फ लर्नर, इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी नॉलेज देन टेक, यानी कि मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको प्राइस एक्शन आता है, सब आता है, बट समवन इज सपोर्टिंग यू टू गिव अ ब्रेकआउट स्टॉक्स। सपोज आई एम वर्किंग मोर इन स्टॉक्स बिकॉज इफ यू नो स्टॉक्स कैन राइज 10% इन अ डे बट योर बैंक निफ्टी निफ्टी कैन नॉट। आपका स्टॉक एक दिन में 5% का मूव भी दे सकता है, 6% हम लोग वो ढूंढते हैं, पर निफ्टी बैंक निफ्टी कभी एक दिन में 5% ऊपर नहीं जाएंगे। दे आर हैवी वेट। सो आपको मल्टीपल, यानी कि आप एक स्टॉक का ट्रेड ले लीजिए, एक आधा इंडेक्स का ले लीजिए, इंट्राडे हैं तो उसको आप प्रॉफिट बुक करिए और रोज का छोटा छोटा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करिए। आई एम गोइंग टू शेयर वन PDF साइकोलॉजिकली मैंने टाइप किया आप लोगों के लिए, आप उसको भी पढ़िएगा। प्रैक्टिकल थ्योरी में आपको देने वाला हूँ आज। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। हेलो। यस सर, जैन साहब। सर आपके इसमें BTST कैसे कर सकते हैं, आप कुछ उसके बारे में बता सकेंगे सर? सी BTST क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, और होता है STBT सेल टुडे बाय टुमारो। दिस इज ओनली टू गेन गैप अप और गैप डाउन मूव। BTST का मतलब आपने शाम को लिया और मॉर्निंग में मार्केट खोलने के बाद एक बार आप उसको सेल करेंगे। अगर आपके कन्विक्शन है कि नहीं ये और आगे जा सकता है देन यू कैन होल्ड, अदरवाइज ये होता है। अब हम लोग कैसे देते हैं, कई बार हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कितना है। ज्यादातर BTST स्टॉक्स में सक्सेस होते हैं, इंडेक्स में इसलिए होता है क्योंकि इंडेक्स में आपने देखा बुलिश है बट शाम को MCX निफ्टी में कुछ ऐसा ट्रेड हो गया तो वो गैप डाउन खुल जाएगा। तो BTST ऑलवेज प्रॉफिटेबल इन स्टॉक्स। तो स्टॉक्स के हम देते हैं, मैंने यस बैंक का भी हीरो BTST के लिए दिया था कि आज आप खरीद लो ये हीरो है, तो आप देखिए नेक्स्ट डे वो 10% चला गया, नहीं 13-14% बढ़ा। सो BTST आई वुड प्रीफर स्टॉक्स, दोनों करता हूं मैं, बट स्टॉक्स में क्या रहता है इंडेक्स नीचे जाता है फिर भी स्टॉक तो चला ही जाता है ऊपर। आप देखेंगे निफ्टी नेगेटिव है बट IT सेक्टर नेगेटिव है, सब नेगेटिव है बट फार्मास्यूटिकल ऊपर है या आपका कंजप्शन वाला ऊपर है। सो इफ यू वांट टू प्ले BTST फोकस ऑन स्टॉक्स रादर देन इंडेक्स। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हेलो। यस सर। सर वो BTST के लिए आप कॉल्स मेटालाइट में देते हैं या स्विंग ट्रेडिंग में देते हैं? सर स्विंग में आपको, स्विंग का नाम ही स्विंग है, स्विंग में आपको वीकली होल्डिंग भी कर सकते हो, आप 15 डेज भी होल्डिंग कर सकते हो। मेरे कुछ मेंबर्स हैं दे आर 80 ऑलमोस्ट 20-30% वो महीने का निकाल लेते हैं, कई बार ज़्यादा। मैं ऐसे स्किट भी देता हूँ जो अपर सर्किट में भी आ रही है और आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बड़े अच्छे स्टॉक्स है। देखो पेनी स्टॉक भी ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको कुछ भी लेना होता है। अगर आपका कोई स्टॉक अपर सर्किट में है तो आप पहला टारगेट 15% के बाद निकल जाइए आप, क्योंकि जब वो लोअर में आ गया ना, लोअर में अगर वो आ गया तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अपर सर्किट स्टॉक में डिसिप्लिन बनाइए। सपोज इफ यू गेटिंग 15% बेटर यू बुक 80% आइदर 50% देन होल्ड। अगर वापस वो इफ अगेन इट रीचेस टू 25% देन बुक रिमेनिंग 50%। तो स्लोली यू बुक प्रॉफिट। सपोज 15% मिल गया, बुक 50% क्वांटिटी, होल्ड इट। Again, the stock rose to the 25%, book remaining 25%. So you can play with this. Don't be in greed. कई बार पैनी स्टॉक, ये जो अपर स्टॉक है ना, अपर सर्किट वाले, ये तुरंत कभी भी जब लोअर में आ गए ना तो आप निकल नहीं पाओगे। अपने को चुपचाप अपना काम करके निकल जाना। वो 4 गुना भी हो गया हमको देखना। We are trader. We are a fix. यानी my psychology tell कि I will exit when I get this profit. Hello. Yes sir. यस सर। और इसमें जो BTST ट्रेड लेंगे तो उनको रिस्क कैलकुलेट, यानी रिस्क को आपको ध्यान में रख के चलना ही होगा। आप ब्रिटिश स्टील ले रहे हो तो रिस्क तो होगा, तो उसमें और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो कि एसएलएम ऑर्डर लगा सकते हो उसमें। जब भी कभी आप ब्रिटिश स्टील लोगे तो एसएलएम ऑर्डर क्या रहता है कि जहां पे भी जाएगा वो मार्केट में जो भी एसएल चल रहा होगा वहां पे वो आपको एग्जिट करेगा। मान के चलिए आपने 100 पे बाय किया और 70 का एसएल लगाया, लेकिन मार्केट ओपन ही हुआ 50 पे, तो आपको इमीडिएटली बाहर निकालेगा। नहीं तो जब तक 70 नहीं आएगा तब तक आप एग्जिट नहीं होगे, तो जितना लॉस होगा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो कभी भी बीटीएसटी में आपको दो चीजें याद रखने की, ये रिस्की है तो उसको रिस्क कैलकुलेट करके ही लेना है, नहीं तो मन नहीं लेना है। और दूसरी बात उसमें एसएलएम ऑर्डर लगाना है। नहीं एसएलएम ऑर्डर में होगा क्या, 50 पे ओपन हुआ तो 50 पे आप इमीडिएटली एग्जिट हो जाओगे। तो ये दो चीजें आपको बीटीएसटी के लिए याद रखनी पड़ेगी। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू यादव सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो यादव सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। अगर आप बीटीएसटी ले रहे हैं, सी जितना ज्यादा रिस्की ट्रेड है तो आप उसको रिस्क पहले कैलकुलेट करिए। और मैं प्रीफर करता हूँ बीटीएसटी आप ज्यादातर स्टॉक में लीजिए, इंडेक्स में भी लीजिए नो डाउट, बट इंडेक्स इज ए समथिंग यू नो विच कैन बी चेंज एट द नाइट टाइम इन एसडेक्स। अगर आपको लगता है अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव है और शाम को भी अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव ट्रेड करने वाला है यूएस मार्केट, और आपका निफ्टी भी पॉजिटिव है, देन यू कैन गो फॉर अ सी बीटीएसटी। आपको लगता है कि अमेरिकन मार्केट में दम नहीं है और शाम को ये नेगेटिव जा सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर अ आपका यहाँ पे ऑप्शन चेन देख के आपने बीटीएसटी लिया, बट अपना मार्केट एक्चुअल में कम बंद होता है 5:30 बजे के आसपास, 3:30 बंद होता है पब्लिक के लिए, फिर भी रात कुछ ना कुछ ट्रेड्स लगे रहते हैं वहाँ पे, 5-5:30 तक बंद होता है, उसके बाद वापस एसजेएक्स निफ्टी में उसके मुंह आते हैं। तो आपने जो सोचा वो उल्टा पड़ गया, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इंडेक्स में, स्टॉक्स में बहुत कम होता है, स्टॉक्स में हो जाता है टारगेट हो जाता है। सो बीटीएसटी आई वुड, अच्छा बीटीएसटी हो सके कैश में लेने की ट्राई करिए ज्यादातर, ऑप्शन में ले रहे हैं तो आप पहले रिस्क कैलकुलेट करिए। यस आई एम रेडी टू लूज दिस मनी, ऑप्शन अगर पैसा कम है आपके पास मार्जिन कम है, पैसा कम है, कैपिटल कम है, आप कैश में ट्रेड करें इस मार्केट में, कभी ऑप्शन में ना जाएं। उल्टा होता है, लोग क्या सोचते हैं कम पैसा है तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ज्यादा पैसा बन जाएगा, नहीं, जिसके पास अच्छा कैपिटल है वो थोड़ा पैसा ऑप्शन में डाल सकता है। इफ यू आर हैविंग ए लेस कैपिटल, इवन आई विल से 50,000 के नीचे भी आपके पास है ना, एक लोट में आप ट्राई करो बस, बाकी सारा पैसा कैश बाय करो धीरे धीरे। देखिए आप छोटा छोटा प्रॉफिट जब रोज कमाने लग जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके कन्विक्शन बढ़ेंगे। आपको पैसा कमाने से ज्यादा इस मार्केट में पैसा बचाने के बारे में सोचना है। Again, I'm telling कि to earn rather than earning, better you try to learn how to save your money first. अगर छोटी कैपिटल है 50,000, अच्छा 25 से 30,000 वाले हो, बिल्कुल ऑप्शन में मत जाओ, कभी कोई झटका लगा ना तो आप बाहर हो जाओगे। कैश में करोगे, कभी भी मान लो हुआ कोई दिक्कत तो छोटा मोटा लॉस होगा, बट कैश में आपको पीस और सुकून मिलेगा और आप उसको होल्ड भी कर पाओगे। ऑप्शन में होल्ड किया हुआ और उसका एक्सपायरी नजदीक आएगा तो आपका कैपिटल खा जाएगा, वो थीटा डी के होगा, आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा अगर वो इन द मनी नहीं हुआ या आईटीएफ नहीं हुआ तो। ऑप्शन ट्रेड करने के लिए यही थोड़ा सीखिए, बाकी कैश में बाय करिए चलेगा। एनी मोर क्वेश्चंस, बिकॉज आई विल क्लोज एट 1, मैं 20 मिनट और आपसे बात कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी, आपने इतना टाइम दिया। यस प्लीज, ओके। हाय विद्या सर। हाय मिस्टर सोमनाथ. Yeah. Yes, please. Yes, I have a question, sir. When you say that levels, right? So that levels can be seen by everybody in the market, right? So how does it work? Even for FIIs and domestic, everybody see that levels, right? How does it work exactly? Sir, if you are having any level, so once the level touches, then you need to confirm those level breakout on data level, through data. Okay. एक मिनट, जस्ट मिनट, मिस्टर मिस आरती समथिंग, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग यू नो फॉर आवर लेवल ट्रेडर्स। ओह थैंक यू मैम। तो इफ यू आर हैविंग ए लेवल एंड द मार्केट टचेस द सेम लेवल, देन यू नीड टू कंफर्म थ्रू डेटा। डेटा कुड बी योर ऑप्शन चेन, एंड इफ यू आर ऑर्डर प्ले प्लेयर देन यू कैन चेक विद डेल्टा। वंस डेटा विल टेल यू कि दिस विल सस्टेन और नॉट, बट लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट एंड लेवल शुड अलाइन विद डेटा। सपोज यू आर प्लेइंग इन डेरिवेटिव्स, सपोज टाटा मोटर्स, एग्जांपल स्टॉक का देता हूँ, टाटा मोटर्स राइट नाउ करेंटली प्लेइंग एट 500 एंड यू सी द ऑप्शन चेन, द ऑप्शन चेन टेलिंग इज 500 इज अ सपोर्ट, कॉल राइटर पुट राइटर आर मोर एक्टिव 500, देन यू कैन सी दैट देयर विल बी सेफ जोन, देन यू कैन टारगेट फॉर 510 एंड इफ यू सी 510 इज अ रेजिस्टेंस, सो मार्केट विल प्ले 500 टू 510 रेंज, 10 रेंज, तो यू कैन प्ले विद द 10 रुपीज स्कैल्पिंग। ओके, सो यू कंफर्म ऑलवेज डेटा when the market is at level. Okay. I will share the level video again in my Telegram channel, so you can see that indicator, which is pivot point Fibonacci. Yeah, sure. Thank you so much, sir. And do backtest, then you will amaze. The market perfectly reacted at the level. Okay. Yeah. Yes, sir. My training program is frequently coming. You will get all notifications in my YouTube Telegram channel, and you can search my YouTube channel. मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है, अगर आप वहाँ से सीखना चाहें तो वहाँ पे सीखिए। अगर आपको लगता है मेरे साथ, देखो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, डेली क्रूड में भी करता हूँ, मॉर्निंग में भी आता हूँ, एक्सपायरी पे पूरा दिन देता हूँ। आप अगर मेरे से पर्सनली करना चाहते तो ही आइए, बाकी मैंने सब चीजें यूट्यूब पे दे रखी है। और भी मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहने वाला हूँ आजकल, वापस मैं बीच में इनएक्टिव हो गया था। अगेन आई एम शेयरिंग मोर नॉलेज ऑन यूट्यूब, सो इफ यू वांट टू लर्न इन फ्री, डेफिनेटली गो विद यूट्यूब। थैंक यू। नवीन कुमार जी, सर यू विल गेट नोटिफिकेशन एंड आपको जो पूजा मैम है आप उनसे मैसेज करके ले सकते हैं। सो पूजा मैम, आई थिंक यू आर लुकिंग दैट नवीन कुमार जी इज आस्किंग फॉर डिटेल्स ऑफ कोर्स। अगर किसी को कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो आप जाके पूजा मैम से बात कर लीजिएगा। आई एम नॉट हियर टू कम माई सेल माई कोर्स। थैंक यू सर। यस सर, मैं कनेक्ट कर लूंगी सर। थैंक यू सीमा मैम। देखिए हम देते हैं, आप मैंने बताया क्या क्या है। मैं कोई महीने का 10-15 हज़ार जो लोग लेते हैं ना, उनके जैसा नहीं हमारा काम। आप 199 दीजिए, चेक करिए, अच्छा लगा 2 दिन करिए, क्या जाएगा कुछ नहीं, 200, 300, 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, अगर आपको लगता है मुझे इंडेक्स में मजा नहीं आता, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, मैं जॉब करता हूँ और मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे कैपिटल लूज नहीं करना है बिना नॉलेज के, देन गो फॉर अ स्विंग। कैश में बाय करो, शांति का है कैश का काम। हफ्ते 10 दिन रखो उसको, आपका टारगेट है, एग्जिट मार दो। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो कभी ऑप्शन ना करें। यस सर, एनी मोर क्वेश्चन? डेफिनेटली क्वेश्चन काफी अच्छे आ रहे हैं एंड आई वुड लव टू सी मोर क्वेश्चन। हेलो सर। यस मिस्टर मानी। हेलो, हाय सर, आई एम फ्रॉम कोलकाता सर। सर रनिंग मार्केट में वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई चेंजेबल रहता है। यस तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि देखिए होता क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे VWAP है, मान लीजिए मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, उसका VWAP है 18,500 पे। अब मार्केट में जैसे बुल स्ट्रेंड बढ़ती जाएगी तो उसी तरह VWAP यानी कि फेयर वैल्यू। आप एक एप्पल बेच रहे हैं, 10 बजे बायर नहीं आए, एप्पल का प्राइस है 100 रुपीज, 12 बजे बायर्स की एंट्री ज्यादा हो गई तो एप्पल का प्राइस हो गया 120 रुपीज, 1:30 बजे और बायर ज्यादा आ गए तो दैट एप्पल गोज टू 130 रुपीज। तो एप्पल का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाता है उसी तरह से हो सकता है वैल्यू एरिया और VWAP के प्राइस भी आपके ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। एंड आपने देखा कि वैल्यू एरिया हाई और लो का लेवल वही है पर मार्केट ऊपर भाग रहा है, देन यू आर वेरी श्योर दैट मार्केट विल कम अगेन टू वैल्यू एरिया हाई। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरी जो ट्रेनिंग की क्लासें होती है मैं रिकॉर्ड करता हूँ? कभी कभी आप मेरी क्लास का वीडियो देखना पसंद करेंगे बट वो 2 घंटे का होगा, क्या आप इतना टाइम दे पाएंगे? क्या लगता है मुझे मेरी क्लास के वीडियो भी आपको देने चाहिए फ्री में? देखो मैं चाहता हूँ मेरे से फ्री में जितना ले जाओ, मैं जो बट मेरे को पर्सनली ज्वाइन करना है देन यू कम टू माय क्लास। बट हाँ, मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी के 1 दिन में, किसी के 5 दिन में, किसी के 7 दिन में, सारी फीस में हाथों हाथ रिकवर करता हूँ ट्रेडिंग के अंदर। लाइव ट्रेड करता हूँ, आ जाओ, एंट्री लो, अपना काम करो। यस सर। सर कभी एक दो वीडियो शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा सर। व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरा वेबसाइट डेवलप हो चुका है ऑलमोस्ट, इट इज इन लास्ट स्टेज व्हिच विल बी कंप्लीट 3 डेज। मैं मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग के सारे वीडियो उधर डालने वाला हूँ। यूट्यूब पे इसलिए डालता है, यूट्यूब पे 2-2 घंटे की वीडियो देखना नहीं देखना। देखो सर मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा कि अगर आप मेरी क्लास के रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो आ जाइए वेबसाइट पे, वहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है उसके लिंक मिलेंगे प्लेयर डाउनलोड किए हुए, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं पूरी आप मेरी कम्युनिटी में ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको वही लाओ पैसा लाओ, नहीं, आप पहले फ्री में पैसा कमा लो या फिर आप हमसे फ्री में जितना सीखना वो सीख लो। अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, मेरा मेंटरशिप चाहिए, मेरा आपको वो चाहिए हैंड होल्डिंग, देन यू कैन थिंक टू ज्वाइन मी, बट उसका पैसा भी आप फ्री में कमा लो पहले। मेरे काफ़ी सारे मेम्बर्स ऐसे हैं, मैंने बोला आप पहले फ्री टेलीग्राम में जाओ, मेटालाइट में चले जाओ, स्विंग में चले जाओ, पैसा कमाओ। देखो काफी स्टूडेंट्स मेरे ऐसे जिन्होंने शुरू के 3 महीने तक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया ऐसा किया है। यस टेलीग्राम चैनल वालों के साथ करूंगा मैं, बिल्कुल सर। तो मैंने देखा है कि प्रैक्टिस इतनी करी है ना, उस वक्त प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया गया कि मैं 1 दिन में 1 लाख कमा लूँ, नहीं, दे लर्न slowly to generate a small profit daily, then they increase quantity. यानी आप एक लॉट में मास्टर बन गए, रोज के 25-50 पॉइंट आराम से निकाल रहे हो, तो आप लॉट साइज बाद में बढ़ेगी धीरे धीरे, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पता चला कि शुरुआत में इतना बड़ा रिस्क ले लिया, कैपिटल चला गया, अब सीखने के लिए कुछ बचा नहीं, मोरल डाउन हो गया, मूड खराब हो गया, आप मार्केट छोड़ दोगे, ये जनरली होता है। तो प्रैक्टिस करिए बिल्कुल छोटी क्वांटिटी के साथ। सर थैंक यू परेश जी टू आस्किंग अ क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? यस, वन मोर थिंग, हाँ आई वुड लाइक टू अनाउंस वन थिंग। मैं एक है ना सर्टिफिकेट इशू करूंगा अगर आप कॉन्टेस्ट को विन करेंगे तो, एंड आपका कॉन्टेस्ट बहुत सिंपल, मैं है ना 10 क्वेश्चन डालता रहूंगा उसमें, यू क्लिक द क्वेश्चन, यू विल गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली। once the contest closed you will instantly download your certificate, you can evaluate yourself। मैं 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वापस मैं नया नया करता रहूंगा, आपको वो 3 आंसर मिलेंगे तो आप आंसर सेलेक्ट करेंगे। इट इज लाइक क्विज, सो आई एम लॉन्चिंग एवन क्विज वेरी सून within next week, so that you can analyze, you can evaluate yourself, okay। डू यू थिंक ये वेबिनार मुझे ग्रुप में पोस्ट करना चाहिए इसका वीडियो बना के? बिल्कुल, मैं होगा तो इसको यूट्यूब पे ग्रुप में डालूंगा। सो माय आइडिया इज दैट कि आप सीखिए एकदम छोटी क्वांटिटी से सीखिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम? किसी को 3 महीना लगता है, किसी को 6 महीना लगता है, बट जब तक पूरा सीखे बिना अगर आप रिस्क लेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। सर फॉरेक्स में आजकल ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कमोडिटी और इंडियन इक्विटी में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बट यस फॉरेक्स पे भी आप हमारे स्ट्रेटेजीज यूज कर पाएंगे। हेलो यस सर। सर एक छोटा सा क्वेरी है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। नो सर जी हाँ, आप क्योंकि सैटरडे को मैसेज डालते हैं कि वीकेंड एंजॉय कीजिए तो थोड़ा लेट हो गया। यस सर, आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेरी सर। मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, बट एज यूजुअल जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लॉस पहले हो चुका होता है, उसके बाद आप जैसे कोई अच्छे मेंटर्स मिलते हैं दिखाने सिखाने वाले, तो तब तक हमारे फाइनेंशियल्स बहुत वीक हो चुका होता है, फाइनेंशियल पार्ट। सो आई हैव जस्ट अ वेरी स्मॉल क्वेरी कि अगर हम कोर्स प्रॉपरली ज्वाइन करके और ये करना चाहता हूँ तो हाउ मच टाइम एंड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू कम अगेन इन दी क्या बोलते हैं हम उसको, कंफर्टेबल जोन में आने के लिए? सर टाइम विल टेक मिनिमम 3 मंथ मिनिमम। थ्योरी के साथ में आई एम ट्रेडिंग एवरी डे विद माई स्टूडेंट्स, सो वंस यू लर्न थ्योरी एट द नाइट टाइम आफ्टर मार्केट, दिस थिंग हैपनिंग लाइक दिस ब्ला ब्ला ब्ला, द सेम थिंग यू हैव टू फील इन द मार्केट। Suppose I am teaching something on option chain. If I am teaching something for order flow or market or volume profile, at the night time 9:30, I am generally taking my classes after 9:30. But in morning time I am coming in the market, and on expiry I am coming full day with my students. Now I am coming full day with the Fin Nifty expiry also. So जो आपको पढ़ाया गया है उसको theory करने में 15 दिन लगेंगे, but उसको practical test करते करते आपको 3 महीना लगेगा। Stock selection, stock option selection, index, crude oil, natural gas, स्कैल्पिंग, इंट्राडे इज डिफरेंट, स्कैल्पिंग इज डिफरेंट, स्विंग, तो सारे जो जोनर हैं, जो वेरिएंट एंड सेगमेंट्स है ट्रेडिंग के, उन सबको कैसे अलग अलग तरीके से प्ले किया जाएगा। इफ यू आर स्कैल्पर सो यू कैन नॉट टेक स्टाइल ऑफ द स्विंग, इफ यू आर स्विंग देन यू हैव टू डेवलप योर स्टाइल टू द स्विंग, यू कैन नॉट थिंक लाइक अ स्कैल्पर। ओके सो what is the suitable, how much your capital should be deployed, you know, in terms of proportionate value? Suppose I am having a 1 lakh rupees, so how much fund should be for intraday basis, how much fund should be for a cash, how much fund should be for to reserve fund, sometimes you need some reserve fund also, so right. This is a financial discipline, wo bhi main batane wala hu aapko, to aapko sabse pehle market kidhar ja raha hai wo seekhna hai, market ki language ko read karna hai, then आपको ट्रेड मैनेजमेंट सीखता है। समटाइम यादव सर आते हैं हमारे, वो आपको एसएल कैसे ट्रेल होगा, प्राइस का ऑर्डर कैसे लगेगा, एडवांस में ऑर्डर लगाना और एडवांस में एग्जिट के भी ऑर्डर लगाना, क्योंकि आपको मार्केट टाइम पे कभी मौका नहीं देगा। और आप दिन भर, और आपको एक बार मल्टीपल ट्रेड है, सपोज यू आर ट्रेडिंग 5-6 इन स्टॉक्स, 2-3 इंडेक्स, तो कौन से लेवल पे आपको कब अलार्म बजेगा, कैसे आप अपने एडवांस में लेवल को प्ले करेंगे, हाउ टू। आपके बहुत सारे ट्रेड ऐसे ही मिस हो जाते हैं क्योंकि तब तक लेवल आया हुआ नहीं होता है, और जब तक हम एक स्टॉक को देख रहे होते हैं इसका लेवल आएगा तो बाय करना, तब तक दूसरे का आके देखिए सर। यस यस, मार्केट इज वोलेटाइल, मार्केट कैन मूव एनी टाइम एनीवेयर, दिस इज यू नो दैट। सो हमारा अगर स्टॉप लॉस और लेवल एंट्री का पहले से डिसाइड हो जाता है तो हमको पता है कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी और यहाँ पे निकलना है। एडवांस में लेवल निकाल के प्लान करके जब आप ट्रेड करते हैं ना सर, तो ट्रेड के अंदर आने के बाद आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है कि मेरा ये रिस्क है, मेरा ये रिवॉर्ड है, और मैं या तो इसका वेट करूंगा या उसका वेट करूंगा। ओके सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट ऐसा है, जब आप जो कॉल्स वहाँ प्रोवाइड करते हैं, जी जी सर, चाहे फ्री ग्रुप पर हो चाहे वो डेली जो आप देते हैं हमारा वीकली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में, तो उसमें क्या हम लॉट साइज मेंशन कर सकते हैं जब भी आप कोई स्टॉक सजेस्ट करते हैं? क्योंकि वो ढूंढ के जा करके स्टॉक का लॉट साइज ढूंढने तक पता लगता है कि यार ये ज्यादा कैपिटल लेगा। सर सबसे पहला एक काम करिए आप, मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। मैं आज अच्छा सर ललित जी, मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिकल पीडीएफ मैंने बनाया, वो मैं जरूर शेयर करूंगा, आज ही करूंगा, आप जरूर उसको पढ़िए। वो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मेरी पर्सनल थ्योरी, और आप बोलेंगे ये सही होता है। दूसरा सर, लॉट साइज मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी आप ही की तरफ फटाफट ट्रेड डिसाइड करते हैं। आप एक काम करिए, जैसे कोई कॉल आया, कॉल आने के पहले कम से कम आपको टाइम मिलता है एंट्री लेने का। ऐसा नहीं कि कॉल, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल पोस्ट और 2 मिनट पे एंट्री आ गई, इमीडिएट आप उसको है ना, मैसेज भी डाल देते हैं टारगेट अचीव। आप है ना डेली है ना सर अपनी वॉच लिस्ट, यानी ज़ेरोदा, एंजल, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं, आप एक वॉच लिस्ट है ना हमेशा खाली रखेंगे, प्लेन। इंट्राडे में आज जो भी कॉल आए वो फटाफट जैसे कोई है ना आपको वॉच लिस्ट में चढ़ाना है पहले। तो जब आप वॉच लिस्ट में उसको डालने जाएंगे तब तक आपको पता चल जाएगा इसकी साइज वाइज क्या है। एक बार वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। और लेवल पे आपको हर ब्रोकर अलार्म का फैसिलिटी देता है, आपने अलार्म लगा देना है वहाँ पे कि मान लो मैंने बोला है आपको टाटा मोटर का सीई आपको इतने रुपए पे बाय करना है, तो वो दूर है अभी, तो आपने उस चार्ट को खोला, वहाँ पे आपने प्राइस पे अलार्म लगाया, आपका जैसे ट्रिगर होगा आपको अलार्म बज जाएगा। अच्छा तरीका यही है, इस जितने कॉल आ रहे हैं सभी कॉल को आप वॉच लिस्ट में लगाइए और उसके प्राइस पे आप अलार्म लगा के छोड़ दीजिए। जैसे अलार्म बजेगा, अब मैंने आपको 5 कॉल दिए, 5 में से 3 की एंट्री एक्टिवेट होने लगी है, जैसे एंट्री एक्टिवेट होने का टाइम आएगा आपके पास अलार्म बजेगा, देन यू कैन प्लान टू एंटर एज पर द यू नो अकॉर्डिंग टू दैट। दिस इज अ गुड ट्रेडिंग स्टाइल, व्हाट हम लोग यही करते हैं। हर ब्रोकर आपको इसकी फैसिलिटी देता है। श्योर, बट सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क साइड ज्यादा होता है, हमारा विनिंग रेट कम होता है। सो एज अ बिगिनर व्हाट विल यू सजेस्ट टू गो फॉर ऑप्शन बायर और टू लर्न एंड कंसंट्रेट और फोकस ऑन ऑप्शन सेलिंग? सर व्हाट इज मोर, सर सी व्हाट इज मोर कंसिस्टेंट, आई मस्ट से। यस, इफ यू आर अ गुड कैपिटल यू शुड लर्न ऑप्शन सेलिंग आल्सो, and what if you have a size of capital required for that? See, at least I think if you want to consistent income, minimum 3 lakh and above. I have some strategies where you can earn 8% easily non-directional. Non-directional means आपको मान लो ऐसा hedge में दे दूं कि market किधर भी खुले आपको profit होगा, कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, नीचे गया तो भी प्रॉफिट में रहोगे, ऊपर गया तो भी रेंज ब्रेकआउट, यानी रेशियो स्प्रेड आपने नाम सुना होगा, कैलेंडर स्प्रेड हो सकता है, रेशियो स्प्रेड हो सकता है, बट उसमें आपको प्रॉफिट बहुत छोटे मिलेंगे। ऑप्शन बायर के पास अनलिमिटेड है, ₹1 का ₹100 भी हो सकता है, बट ऑप्शन सेलर का मार्जिन यानी कि प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए स्टॉप लॉस बराबर लगा के अगर आप ऑप्शन में सेलिंग करते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा, विन रेट बढ़ेगा। क्योंकि देखो मार्केट में है ना साइडवेज, अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट, 3 तरह के कंडीशंस होते हैं। ऑप्शन सेलर को चाहिए साइडवेज मार्केट और उसका जो भी है अपसाइड या डाउन साइड का, उसकी प्रोबेबिलिटी है 66% जीतने की। ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी ओनली 35% होती है कि ही विल विन। तो अगर आपके पास कैपिटल तो आप सब कुछ करिए, आप कैश में भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं और कुछ पैसा ऑप्शन बाइंग में लगाएंगे। अच्छा, आपके पास कंफर्म है ब्रेकआउट आने वाला है, आपके पास कंफर्म स्टडी है कि ये चीज यहाँ जाने वाली है और इतने टाइम में जा सकती है, तो आप उसके हिसाब से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। फिर भी आपको पता है कि यार ये जाएगी जरूर, बट कितनी बजे कितने दिन लेंगे, तो मैं थोड़ा दूर का ले लूँ, यानी नेक्स्ट एक्सपायरी का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट या मंथली एक्सपायरी का या नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं ऑप्शन के अंदर तो 1 से 10 तारीख तक आप करंट में रहिए, 10 तारीख के बाद अगर आपको लगता है होल्डिंग है तो अगले महीने का ले सकते हैं। और पैसा कम है, अगर आपको लगता है मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ तो आप सेम मंथ लीजिए। आपको लगता है कि मैं इसको होल्ड करूंगा 15-20 दिन के लिए, तो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको है ना देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका थीटा डे के आपको खत्म नहीं कर दे, वो सबसे पहले सोचना, यानी कि पैसा जाएगा वो पहले। स्टॉक्स में ऐसा हुआ है, स्टॉक्स का ऑप्शन अगर हमने लिया है थोड़ा लंबे का कि आएगा बट वो कई बार उस टारगेट तक आते तक आपका जो ऑप्शन बाइंग प्राइस होता है वहां पहुंचता ही नहीं है। टारगेट जरूर अचीव होता है बट बिल्कुल सर, ये एग्जैक्टली सर इसी के लिए मैं आज एक पीडीएफ यस 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 बिल्कुल सर आपको समझ नहीं आता कुछ होना चाहिए कि नहीं कि अपना अंदाजा सही निकला सर। अगर आपका वो एक मंथ आगे का एक्सपायरी का होता तो चांसेस थे पैसा कमाने के? राइट सर, मैंने ना अभी इंडसइंड लिया था, ठीक है, मेरा अंदाज था कि वो 1200 क्रॉस करना चाहिए बट मैं लास्ट मंथ से लेकर के बैठा हुआ था और लास्ट मंथ में मंथ एंड तक आते आते उसने एक बार ही क्रॉस किया लेकिन तब तक वो थीटा में जा चुका था, खत्म हो गया था उसका कुछ बचा। चलो मैं आपको एक फॉर्मूला शेयर करता हूँ। अगर आप कोई भी स्टॉक्स के ऑप्शन को कम से कम 10 दिन होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 1:2 का टाइम सेलेक्ट करना है, यानी मुझे 30 दिन का उसमें होल्डिंग पीरियड का चाहिए। या सपोज इफ यू आर बाइंग एट 15, राइट, अब आप 15 के बाद 15 into 1:2 मतलब यू नो 1:2 तो यू नीड 60 डेज नाउ। Okay. Sorry, you need 75 days. Better you buy for a next month expiry. If you are holding for 2 or 3 days, then you can go with the current month. Okay. But if you are planning to hold for 10 and above, always आप next month ही लीजिए। तो कई बार प्राइस आने के बाद आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। राइट, क्या ये कहीं से हमको पता लगता है डेटा वाइज या कहीं इन्फॉर्म होता है कि ये थीटा डीके हर दिन कितना हो सकता है, कितना होता है जनरली? देखिए सर, सबकी इंट्रेंसिक वैल्यू और सबके जो वेटेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए आपको ऑप्शन चेन पे कुछ टूल्स हैं एनएससी की वेबसाइट पे। आप चाहते हैं तो इस पे वीडियो बनाना, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। दिस इज अ लॉन्ग सब्जेक्ट व्हिच आई कैन नॉट डिस्कस राइट नाउ बट डेफिनेटली मैं नोट कर रहा हूं, मैं कोर्स में आऊंगा ना तब सब पूछ लूंगा आपसे। हां, तो सर अगर आप 10 दिन या उसके ज्यादा होल्ड करने की सोच रहे हो तो अगले महीने का एक्सपायरी का लीजिए। जैसा सर ने बताया ले लीजिए ना कि प्राइस तो आ गया बट वो लॉस में रहा क्योंकि वो थीटा डीके से इतना खत्म हो चुका था और गामा फिर वो मुंह नहीं देती है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो मोस्टली क्या एक्सपायरी के दिन गामा पे फोकस करना चाहिए? एक्सपायरी के दिन आप कुछ भी करिए ना, इंट्राडे में चलेगा बट होल्ड कर रहे हैं तो आपको 10 दिन का होल्डिंग है तो आपको 30 डेज का टोटल आपको एरिया ऑफ क्लोजिंग देखना पड़ेगा। वेयर यू कैन गो फॉर करंट एक्सपायरी में जैसे मेरे ख्याल से आपने कॉल दिया था 43,600 समथिंग का बाय का, तो उस पे मैंने एसएल रखा था, वो हीरो जीरो जैसा कुछ था, तो मैंने उसका एसएल रखा था 50%। नॉर्मली हीरो जीरो पे मैं 50% रखता हूं, यस वो 50% डीके हो गया तो चलेगा, और वो उस समय 50% गया भी, हिट भी हो गया और उसके बाद वो अचानक जो सडन मूव आई उसमें वो निकल भी गया। तो सर कितना लॉट लिए थे आप? जब हम एसएल लगाते हैं ना तब वो हिट होता है और जब एसएल नहीं लगाते हैं तब वो पूरा खत्म हो जाता है। यही कला, यही सबसे बड़ी ट्रिक है। सर एक बात बताएं, आपने कितने लॉट लिए? सर मैंने उस दिन तो 4 लॉट लिया था। सर अगर ऐसा होता कि आप 100% का लॉस सोच के आप 1 या 2 लॉट लेते हैं तो चांसेस थे कि आप प्रॉफिट में आते उस वक्त। हाँ राइट, बट फिर वो कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब जो रेशियो में आपको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ और नहीं हुआ बराबर हो जाता दिन भर का। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने इतना तो भी होना चाहिए ऐसा। मैं कभी कभी फ्री ग्रुप में स्टॉक्स के 3-4 हजार के हीरो जीरो देता हूँ। आप है ना जीरो को बिल्कुल जीरो मान के चलिए। देखिए सर मैंने अभी कुछ बताता हूँ कि मैंने एक ट्रेड दिया 6,000 रुपए का लॉट था वो मनपुरम का, पूरा 25 दिन तक वो -5,000 मेरे को क्वारीज में आने लगी बट सर 2 दिन के अंदर वो 16,000 प्रॉफिट में चला गया। तो हीरो जीरो को सर या तो आप क्वांटिटी कम करके मैनेज करिए, यही सर फंड मैनेजमेंट है। आप एक लोट लेते अगर उसको पूरा जीरो तक का भी वेट करते तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में निकलते सर। करेक्ट, बट आपने क्या किया, इसको हीरो जीरो ना समझ के आपने 50% का एसएल इंटेट कर दिया, तो आपने उसको जीरो तो बनाया नहीं, आपने उसको बीच में आधा जीरो कर दिया। तो वहां पर क्या हुआ सर कि वो एसएल हिट करके वापस अपने टारगेट के तरफ चला गया। ओके, नहीं आपने 2 कॉल दिए थे सर, एक पुट का दिया था हीरो टू जीरो और एक कॉल साइड का दिया था राइट, आई गेस तो लास्ट इस थर्सडे का। तो सर उसमें क्या हुआ, एक्सपायरी पे मूव वाला पुट वाला भी गया, दोनों गए। पुट वाला इतना लेट आया कि वो पूरा डिके हुआ, तो फिर मैंने वो वाला डीके खत्म ही हो गया था, तो फिर मैंने कॉल वाले पे सोचा ठीक है इस पे 50% का ही चांस लेते हैं ऐसा। तो अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट नॉट से दिस हियर बट मे बी मेरा जो सिलेक्शन होता है, आपने 10 स्टॉक भेजे उसमें से 2 जो भी मैं सिलेक्ट किया हूं अब तक, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे वो हिट होता है। बाद में जब आपके इवनिंग में रिजल्ट आते हैं कि इतने सारे में इतना 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 बना है, तो मुझे लगता है कि मेरा ही सिलेक्शन गड़बड़ हुआ या क्या ऐसा हो। देखिए सर मैं बताता हूँ, पहले छोटा छोटा प्रॉफिट फटाफट बुक करिए, टारगेट 1 तक तो बुक कर लीजिए एक बार, फिर धीरे धीरे आप है ना एसएल को ट्रेल करना सीखिए। हम लोग एसएल ट्रेल करना काफी अच्छी तरह से सिखाते हैं, मैं बिल्कुल इस पे भी सागर सर हम एक वीडियो बना सकते हैं, सागर सर एसएल ट्रेल करने के साइकोलॉजी के ऊपर। यस सर, तो सागर सर हम सागर सर काफी अच्छा प्राइस एक्शन और इज मास्टर ऑफ प्राइस एक्शन, तो सागर सर से रिक्वेस्ट किसी का होगा तो उस पे जरूर बनाइए मेरा अकाउंट आप स्टॉक। हाँ, और मैं लाइव मार्केट में बनाने की हम ना लाइव मार्केट की वीडियोस बनाने जाता हूँ। देखो सर हमारा ऐसा मानना है ना कि आपको हमारी एबिलिटी जाननी है, लाइव मार्केट में जाओ। आप देखते हैं लाइव मार्केट में कमेंट्री भी चलती है फ्री ग्रुप में, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में ट्रेड भी करता हूँ। देखो लाइव मार्केट पे आप है ना जज करते हो ना मार्केट को, तो ही आपकी स्किल है। बाकी सर ऑफ मार्केट में कुछ कितना भी वीडियो वगैरह बना दो, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता। समझ में आई जो भी कॉल्स आप देते हैं, ऑफ कोर्स उसमें से मेजॉरिटी कॉल्स प्लस में ही जाते हैं, बट जो कॉन्फिडेंस होता है ना होल्ड करने का कि अभी इसको होल्ड किया जाए या निकला जाए। देखिए सर मैंने सर मैं आपको एक चीज बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी मतलब आप जब एट द एंड ऑफ द डे बोलते हो इस स्टॉक में 15,000 बने, उसमें हम 1500 पे बाहर हो चुके होते हैं। तो थोड़ा सर प्राइस एक्शन या इन चीजों को थोड़ा सीखिए सर, और एक बार वो छूट जाए तो दोबारा घुसने का फिर डर लगता है। हां सर एक काम करते हैं, आप है ना प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन इन दो चीजों को थोड़ा सीखने का कोशिश करेंगे ना, तो उसके भी आप पे आप हो सकता है। देखो प्राइस एक्शन सीख गए तो आप ऑफिस के अंदर हो ना, चार्ट खोल के आप 2 मिनट पता लग लोगे। आप पिवट पॉइंट फिबोनाकी यूज कर लीजिए। तो 2-3 चीजें बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन, फिबोनाकी और ऑप्शन चेन का अगर ये देख पाते हैं तो आपको होल्ड करने की ताकत मिल जाएगी। ऑप्शन चेन में पता चल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो पॉजिटिव साइड में, सो आई कैन होल्ड दिस ट्रेड। तो थोड़ा सा सर इस पे काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। 5 मिनट भी नहीं लगते और टाइम फ्रेम आप 15 मिनट या 30 मिनट, एक बार मेरे कहने पर 15 दिन के लिए आप 30 मिनट, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल लिख के लोग बोलने को तैयार है, प्रूफ है मेरे पास। ये बोल रहे हैं या अपना कुछ भी सर मेरे पास प्रूफ है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप 10-15 दिन यूज करेंगे आपको अपने आप फर्क लगेगा। आप दोनों तरह से आप देखिए, मैंने बीच में 3-4 ट्रेड लिए थे एक सर्वे करने के लिए, जिन का 5 मिनट का टाइम फ्रेम था सबके एसएल आसपास हिट हो गए। 30 मिनट वालों का होल्ड हुआ, वो प्रॉफिट में निकले। हेलो सर, हेलो विकास सर, वो ये थी कि अपन अगर फीस जो भी पे कर रहे हैं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि इन हाउ मेनी डेज आई कैन रिकवर दैट। सर समवन इज रिकॉर्डिंग 1 ट्रेड, समवन इज रिकॉर्डिंग 2 ट्रेड, समवन इज रिकॉर्डिंग 7 डेज। नहीं डिपेंड ऑन बात कर। हेलो अपन एक्सपेक्ट टू बी, हेलो सर एक मिनट, हां जी अपन क्या इसको एटलीस्ट फोर्टनाइट, एक पूरे 15 दिन के ट्रेड में हम ये कर सकते हैं। सर देखो मैंने 10 जनों को बोला कि ये करते हैं। अब उस एक मूव के अंदर किसी ने 5,000 बनाया, किसी ने 50,000, मैंने यहाँ तो रोज 1 लाख वाला भी है, ऐसे लोग भी जो 1-2 लाख रोज बना रहे हैं। तो वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, कितना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने आपको 100 पॉइंट का ट्रेड दे दिया, अब वहां पे 20 लोग हैं, कोई 1 लोट में काम करेंगे, कोई 2 लोट में काम करेंगे, तो सबके प्रॉफिट्स के रेशियोज अलग हो सकते हैं। सो डिपेंड ऑन यू। आई एम ओके। मैंने यस बैंक दिया, अब यस बैंक में मेरे एक स्टूडेंट ने 50,000 बना दिए, मेरे किसी स्टूडेंट ने 2,000 ही बनाए, तो सर मूव तो उतना ही था। तो डिपेंड करता है कि आपके कैपिटल और आपकी रिस्क की है ना उस पर भी पर्सनल डिपेंड कर सकता है, जो शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। सर मैं कभी नहीं पूछूंगा आपका कैपिटल कितना है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप इतनी क्वांटिटी लो, ये आपको डिसाइड करना होता है। सर मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि मैं कहां तक रुकूं, बस मुझे वो समझ में आना चाहिए, बाकी चीजें थोड़ा। सर मैंने बताया ना प्राइस एक्शन लेवल, इसका कन्विक्शन बढ़ाइए, इनकी स्टडी को थोड़ा मजबूत करिए, और साथ में ऑप्शन चेन भी देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा अंदाज लग जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए। तो अगर मुझे लगा कि मैं एग्जिट तो कर रहा हूं बट अभी रेजिस्टेंस दूर है, आई विल होल्ड, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा सर। प्लीज सर, थैंक यू फॉर द टाइम। अगर कोई जरूरत पड़े तो अरे बिल्कुल नितिन जी, थैंक यू सर, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन। प्लीज सर नितिन जी। सर मुझे आपके कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए, मैंने पूजा मैम से बात किया था तो मुझे ठीक से पता नहीं चल पाया। शी इज नोटिंग, मुझे लॉस को रिकवर नहीं करना, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। अरे वाह क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, तो बस मुझे आपका जो लॉजिक है जो यूट्यूब में आपने जो वीडियो भेजा, मतलब जो अपलोड करते हैं, मैं उसको अच्छे से फॉलो करता हूँ। ये एक नया टॉपिक था, मैं इसको लर्न करने कोशिश करूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा, और मुझे पता है क्योंकि मैं जब इस टॉपिक पे इससे पहले जिस टीचर के साथ क्लास किया था, ये प्रॉब्लम था कि वो टीचर मुझे समझा नहीं पाए या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ कि जिसे समझ नहीं पाए। और बीच में क्या हुआ कि वो 7 डेज का सेशन था, बीच में मैंने 3 डेज छुट्टी मार दी और वो टीचर रिकॉर्डिंग नहीं देते थे और कुछ भी होता था। तो ये प्रोसेस था, मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, ये प्रोसेस था क्या कहते हैं इस पे मार्केट प्रोफाइल पे और ऑर्डर फ्लो पे। और ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है और मुझे इसे थोड़ा डीपली जानना है, मैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट से बाहर आना चाहता हूँ। तो देखिए सर, मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल इनके जो लेवल निकल सके उन्हीं लेवल के आसपास वो बड़े अलगोस ट्रेड करते हैं, तो ये लेवल हमको एक्यूरेट करते हैं। दूसरी चीज सर, 7 दिन के अंदर कोई रिकॉर्डिंग देख के आप अपनी एक्यूरेसी को उस सर, आई एम सॉरी सर, मेरे यहाँ क्या कोई 6 महीने पुराना स्टूडेंट भी बोलता है सर मुझे आज आपकी जो नई क्लास हो रही है उसमें एंट्री लेनी है, मैं अलाउ करता हूँ, मेरी कम्युनिटी ओपन है, हम दिन भर कुछ ना कुछ वहाँ करते रहते हैं। तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप ऐसे नेक्सस में ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं जहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर टाइप के लोग बैठे हुए हैं। दूसरा क्या है सर कि आपको मैं हमेशा लाइव रहता हूँ, आपको कोई क्वेश्चन है ना तो लाइव मार्केट में आप पूछ सकते हो। और सर मुझे एक चीज जानना था कि मैं आपके फ्री के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन था, मैंने बीच में आपका एक प्रीमियम चैनल भी लिया था, लेकिन मैं स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इंडेक्स का ऑप्शन ट्रेडर हूँ, सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे कॉमोडिटीज में ट्रेड करता हूँ, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम जो भी चीज है। मैं स्टॉक में गया और स्टॉक में साइकोलॉजी ऐसा हो गया था कि वहाँ पे ना एक दिन में 10-10, 15-15 स्टॉक आप भेजते हैं, मुझे नहीं पता आप भेजते हैं कि आपके बंदे भेजते हैं, तो 10 से 15 स्टॉक भेजते हैं। आप कोई एक लिया, अब उसका टारगेट क्या है कि कब निकलना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का है और 100 रुपए पे 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए का 103 रुपए पे जाता है, तो एक हेलीकॉप्टर बन जाता है कि हाँ चलो उड़ गया, लेकिन फिर वहां से प्राइस रिट्रेसमेंट बहुत क्विकली होता है। तो क्या है, मल्टीपल स्क्रिप्ट में काम करके मैंने देखा कि मुझे थोड़ा बहुत बीच में लॉस, ओके देखिए सर, और मुझे लॉस हुआ था, लेकिन फिर मैंने इंडेक्स पे वापस अपना फोकस किया और मैं उस सारे लॉस को डबल प्रॉफिट में किया, क्योंकि इंडेक्स ही मेरा एक कोर टॉपिक है, मैं इंडेक्स में ही अच्छा काम कर पाता हूं। नितिन जी, आपके सवाल पे मैं 2 बात बोलूंगा, मैं 2-3 बातें बोलूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारे यहाँ सभी जोनर के लोग हैं, मैं पता कितना चार्ज कर रहा हूँ, 199 पर डे, विच इज वेरी 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 यू नो, छोटा सा है, मुझे प्राइस का इशू ही नहीं है। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ देखिए मेरे यहाँ कोई 1 बजे एक्टिव हुआ, कोई 12 बजे एक्टिव हुआ, कोई 10 बजे एक्टिव हुआ, मेरा पूरा दिन चलता रहता है। मुझे तो जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती मैं देता हूँ। अब आप बुफे गए, आपको चाइनीज नहीं पसंद है, आपको लगता है यहाँ पे चाइनीज के अंदर एसिडिटी बहुत होता है, बट आई विल गो फॉर इटालियन, सो यू डिसाइड। आपको नहीं मजा आ रहा है मत करिए, आप इंडेक्स से कॉल लीजिए, ठीक है, वो आप डिसाइड करें। अगर आप, कई बार मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते, जिनको स्टॉक ही करना होता है, तो अब मैं कल हो सकता है क्रूड और नेचुरल गैस के भी देने लग जाऊंगा। तो वहां पर होता है ना सर, आपको जो पसंद आ रहा है आप उसी पे रहिए। और दूसरा ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास फिक्स है कि मुझे एक ही, देखिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक जो करें, 2 चीज यानी कि एक निफ्टी या कोटक बैंक या निफ्टी या बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी या ICICI, 2-3 स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपको पूरा दिन पक्का उसमें मॉनिटरिंग करनी है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक स्टूडेंट है जिनको निफ्टी और कोटक बैंक, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखते। वो इसमें इतनी मास्टरी हो गई उनकी कि उनको रात को 2 बजे बोलूंगा निफ्टी और कोटक बैंक में क्या चल रहा है, वो नींद में बता देंगे। ये आपको तो ये मेरा भी 3 कोर टॉपिक है, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो आपको जो सूट करता है, इंडेक्स सूट करता है, बिल्कुल इंडेक्स करिए। अगर इंडेक्स में भी किसी को बैंक निफ्टी सूट नहीं करता है तो बिल्कुल निफ्टी करिए। यादव सर और हम लोग है ना, निफ्टी बैंक जहां मौका मिलता है, हमको तो पता चला कि इधर कल जिंक में मौका, हम तो मौका मिलते ही आपको देने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज देख के कंफ्यूज ना हो। मैं दिन भर मैं कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, बस मुझे ये बता दीजिए कि लाइव मार्केट में, मतलब अगर कभी आना होता है तो आप लोग लाइव मार्केट में कैसे करते हैं काम? और क्लास का तो मैम से बात हुआ था कि वो 9:30 से 11:30 आप क्लास लेते हैं, वो तो इवनिंग का टाइम हो गया, वो तो चला जाता है, सीखने में चला जाएगा, लेकिन लाइव में थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए वो टाइमिंग कैसा रहेगा? मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले मैं लाइव लिंक आ जाता है मेरा, ओके हाँ ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग, देखिए मार्केट है ना 2 मूव देता है दिन में, एक ओपनिंग मूव्स आते हैं और एक क्लोजिंग आते हैं। मैं 100% तो मॉर्निंग में आता ही आता हूँ, समटाइम मुझे लगता है मजा आने वाला तो मैं क्लोजिंग में भी आता हूँ। उसके बाद मैं शाम को क्रूड में भी आ गया। अब मैं ऑर्डर फ्लो की जो क्लास लेता हूँ वो मैं आपको क्रूड ऑयल के लाइव चार्ट पे सिखाता हूँ। क्रूड ऑयल 11:30 बजे बंद होता है, तो मेरे पास 2 घंटे होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना लाइव मार्केट में प्रैक्टिस और सीखना होता है ना, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। वीडियो देख रहे हो, आपको उस वक्त कमेंट करना है जॉब आया नहीं आया, कौन वीडियो बना के, मेरा भी वीडियो है तो कई बार आप कमेंट का वेट करेंगे, बट लाइव मार्केट में सीधा क्वेश्चन आना, थ्योरी पढ़ी सीधा लाइव मार्केट में आ जाओ। और लाइव मार्केट में इसमें क्या 2 चीज सर लेट मी फिनिश, 2 चीज और होती है, सीखने को तो मिलता है। कई बार कल जैसे हमने लाइव मार्केट क्रिप्टो पे सीख रहे थे, तो बातों बातों में एक शॉर्ट का ट्रेड मिला और मस्त ट्रेड लिया। अभी 2 दिन पहले हमने जब लाइव ट्रेड के सीख रहे थे बट पता चला अरे फटाफट एंट्री लो तो 220 पॉइंट क्रूड में मिल गए। तो दोनों बेनिफिट है कि साथ में पता चला कि मौका मिला तो उसको भी इनकैश कर लो और सीख तो बन रही है। यस प्लीज नितिन जी। सर आपका एक नेक्स्ट पेज जो 24 को मुझे ऐसा लगा है कि स्टार्ट होने वाला है, अब ये जो है हम आईटी के प्रोफेशन है तो इस बीच में थोड़ा हॉलीडे रहता है, तो ये हॉलीडे अगर मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा तो वो कैसे कवर होगा? देखिए सर एक चीज है, मैं हर सेशन के रिकॉर्डिंग्स देता हूँ और दूसरी चीज, अगर मान लो आपने कुछ मिस किया तो हमारा रिवीजन, जैसे अभी मान लो अभी मेरा 13 नंबर का बैच चला है, उनको मैं ऑप्शन चेन सिखा रहा हूँ, तो मैंने पुरानों को बोला कि किसी का बाकी रह गया है तो प्लीज ज्वाइन दिस, तो मेरा मिक्स हो जाता है तो मैं आपका कवर तो करवा, किसी का ऐसा मेरा कंप्लेन नहीं आता कि यार वो चीज मैं उस दिन नहीं कर पाया तो मुझे वापस जानने को नहीं मिली। मैं अगेन आप मेरे साथ 3 महीना रहोगे, आप मेरे साथ 3 महीना रहोगे, इस 3 महीने में थ्योरी आपकी कोई भी छूट गई ना, अच्छा मैं बहुत डिटेल में, मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगा, मैं आपको रात को एनालिसिस, नाइट एनालिसिस करना, ट्रेड का प्लान करना, ऊपर से मैं आपको है ना चेक शीट देने वाला हूँ बहुत जल्दी कि अगर मैं इंडेक्स का ट्रेड करूंगा, अगर मैं स्कैल्प पर हूँ, अगर मैं इंट्राडे हूँ, अगर मैं स्विंग हूँ, तो चेकलिस्ट बनेगी, क्या मैंने ये चीज चेक कर ली है तभी एंट्री लेंगे। मेरे साथ आपको ये सीखना है कि एंट्री लेने के बाद कभी सोचना नहीं अब क्या होगा, सब पहले से डिसाइड करने के बाद ही घुसना होता है, सब पता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड है, ये यहाँ पे है, उसके बाद जब एंट्री ले ली तो चुपचाप या तो टारगेट का वेट करो या एसएल का वेट करो, टेंशन नहीं लेने का, रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट हो गया, लेवल भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया, मैं 24 वाले बैच में ज्वाइन कर लेता हूं। देखिए आप देखो, अगेन आई एम टेलिंग दैट कि आई एम रियली नॉट हियर, एंड जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, कभी इस तरह के सेशन में आइए, अपने सवाल लाइए। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट माई सर्विसेज एंड एनीथिंग, बट इफ यू लव मी एंड इफ यू लव टू डेफिनेटली वी विल डिस्कस, वो आप खुद डिसाइड करिए। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मार्केटिंग थिंग्स आई एम डूइंग, आई एम ऑलरेडी बिजी, और मैं ना कभी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा जाता नहीं हूँ, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, बट हमको पता है कि हम फिक्स लिमिटेड नंबर के साथ ही काम करते हैं, बिकॉज माई मोर फोकस ऑन ट्रेडिंग रादर देन ऑन ट्रेनिंग, सो आई एम ट्रेडर फर्स्ट देन आई एम ट्रेनर। So okay, any more questions? कोई और questions पूछेंगे because it is already 1 hour and 15 minutes. Hello sir, good afternoon. Hi, good afternoon. सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे कि इंडेक्स में, जैसे कि मैं फ्यूचर में भी ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ, तो जैसे कि ये क्या होता है कि ऑप्शंस में कई बार क्या होता है प्राइस सिलेक्शन कि एटीएम लेना है कि इन द मनी लेना है कि क्या लेना है, ये सिलेक्शन का एक बहुत इशू आता है। अच्छा, तो अगर एक पहला प्रॉब्लम ये आता है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि मेरे पास में प्रॉब्लम होती है कि मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, तो क्या होता है कि जैसे कि ऑप्शन में क्या है कि आपको स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही चीज का ऑप्शन मिलेगा, और फ्यूचर में अपने को ये मिल जाता है। तो इसको बचने के लिए कोई ऐसा कोई एल्गो आता हो जो कम रेंज में भी हो एंड अच्छा भी हो? देखिए सर, एल्गो अपन रिटेलर के लिए कोई भी आज दिन तक कोई एल्गो नहीं बनाया जो आपको हमेशा आपका फायदा करके दे। अलगो सारे बड़े लोग जो यूज करते हैं, जिनके करोड़ों रुपए फीस होते हैं, वो एग्जीक्यूशन अलगो होते हैं। अलगो इज लाइक ए मशीन हु इज फॉलोइंग योर कमांड। अब अलगो बोलेगा कि आप बताओ मुझे क्या करना है, अलगो वो करके देगा, या अलगो बोलेगा मेरी ये थ्योरी है, मैं अच्छा होता क्या है अलगो की थ्योरी चलती है वो प्रीवियस डेज के प्रीवियस कैलकुलेशंस पे, बट आज करंट मार्केट में हो रहा है वो कुछ नया हो रहा है। समटाइम्स अलगो को कमांड्स डेवलप की गई जब विक्स 18 पे चल रहा है, आज मार्केट का विक्स है 13 के आसपास, तो वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ गया। तो सर मैं ये मानता हूँ अगर आप मैनुअल कोई चीज सीख जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान। अगर आपने कार चलाना सीधा डायरेक्ट ऑटोमेटिक सीखिए, वो कभी गलती से आपके सामने मैनुअल कार आ गई तो आप वो चला नहीं पाएंगे, वो नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल सही है सर। तो अलगो से बेटर है, अलगो बनाने वाला इंसान है, इंसानों के दिमाग है। तो क्या हम ऐसा ना करें कि हम खुद ही ऐसा प्रैक्टिकल सीख जाएं जिससे हमको अलगो की जरूरत ना पड़े? वो ज्यादातर मैं बेनिफिट मानता हूँ। रिटेलर अलगो में कभी पैसा नहीं बनाया। अगर अलगो होता ना सर तो पैसा की मशीन हर रिटेलर लगा लेता, इस दुनिया में सब करोड़पति बन जाते। ऐसा नहीं होता है। नाउ योर क्वेश्चन, ऑप्शन में सर अगर आप ओटीएम सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले आप देखें कि क्या मैं इंट्राडे स्कैल्प पर हूँ, क्या मैं स्विंग ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। मैंने एक हेज दे रखा, मैंने एक निफ्टी का पीई दे रखा है, जनवरी एंड का प्रॉफिट में आ गया ऑलरेडी, वो मैंने दिया है 5 दिन पहले। बैंक निफ्टी का भी दे रखा, वो भी प्रॉफिट में आने वाला है, बट वो जनवरी एक्सपायरी है। तो मुझे अगर लगा कि बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट का करेक्शन आएगा, बट वो कितने दिन में आएगा वो मुझे नहीं पता है, तो मैंने दूर का ओटीएम सेलेक्ट करके छोड़ दिया। ओटीएम जब एटीएम बनता है तो बहुत ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट होता है, बट मैं अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग, अगर हमारे आप देखेंगे तो हम इंट्राडे में आईटीएम देते हैं ताकि आप फटाफट कुछ स्कैल्पिंग करके बाहर निकल जाओ। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो एटीएम या आईटीएम से करिए, बट आपको पता है कि यार 300 पॉइंट ऊपर जाने वाला है और ये मुझे को कंफर्म है, तब जाके उस 300 पॉइंट का एटीएम आप ओटीएम लीजिए, ताकि जब वो एटीएम बनेगा तो आपको अच्छे गेंस आएंगे। ओटीएम डेफिनेटली ज्यादा गेंस देते हैं, बट ओटीएम के लिए आपके पास कन्विक्शन चाहिए कि हाँ उस लेवल तक प्राइस टच करेगा, वो भी इतने दिन में, तब जाके आप सक्सेस करेंगे। अगर प्राइस का कंफर्म है कि प्राइस जाएगा ये मुझे पता है, बट कब जाएगा नहीं पता है, तो दूर की एक्सपायरी ले लीजिए ताकि आपका थीटा डिके बच गया। आपको कई बार एक्सपायरी पे भी लोग अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो एक्सपायरी पे काम करते हैं ना, तो भी वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के साथ करते हैं, उनको पता है ये मूव आने ही वाला है, बट वो अगर मैंने ले लिया अगर करंट एक्सपायरी का और वो टाइम पे नहीं आया तो मेरा डिके चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे सर। आई होप यू अंडरस्टैंड अभिलाष जी। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक और छोटा सा, वेरी सॉरी। यस सर, प्लीज सर, इफ यू आर कंफर्टेबल आप प्लीज यहां आंसर दे सकते हैं, वरना यस 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 प्लीज सर पूछिए। सर आपके फीस में मुझे कोई इंस्टॉलमेंट वाइज वाला ऑप्शंस हैं क्या? सर वो मैं अगेन आई एम टेलिंग दिस रिकॉर्डिंग गोइंग टू पब्लिक एंड आई एम नॉट मार्केटिंग एंड आई एम नॉट, मैं इसे बस सर अगर आप कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो मुझे मैं बात, यू जस्ट हां वी हैव ऑल ऑप्शंस, वी हैव ऑप्शंस यू कैन डिस्कस विद पूजा मैम। सो एंड आप भी देखते हैं सर मेरा ये क्लासेस का मैं ज्यादा मार्केटिंग करता नहीं हूं, वो YouTube पे मैं आगे चालू। हाँ, मेरे पास नेक्स्ट क्लासेस अभी 24 से चालू होगा क्या? सर मेरे पास स्टूडेंट्स वो हैं जो कॉन्फिडेंस से अच्छा कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स आर हैप्पी। और मैंने एक चीज़ देखी है सर, आप मेरे से वाकिफ़ हैं नहीं बताना, एक क्लास है और एक टीचर और एक स्कूल है, उसी के अंदर 10 लोग फर्स्ट डिवीजन आते हैं, 10 लोग सेकंड आते हैं, 10 लोग थर्ड आते हैं और 10 लोग फेल हो जाते हैं। वो मैं समझ रहा हूँ, उसमें 10 लोग फेल जो होते हैं उसमें 2 लोग तो ऐसे जो हर साल फेल होते हैं। तो सर क्लास भी वही है, टीचर भी वही है, थ्योरी भी वही है, प्रैक्टिकल भी वही है, सब कुछ वही है। ये मैं मानता हूँ हो सकता है कि आपके पर्सनल बैक टेस्ट, आपके पर्सनल लर्निंग्स, आपका पर्सनल ग्रास्पिंग, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपके लिए अच्छा है। आई एम ऑलवेज वेलकम एनी क्वेश्चन। मेरा कभी ऐसा नहीं कह रहा यार बार बार क्या पूछते हो, पहले बता दिया था वापस पूछने की क्या जरूरत है, नहीं। आपने एक चीज़ को 10 बार पूछ के जब तक वो आपके दिमाग में नहीं घुसती आप उसको पूछते रहें। तो मैं हमेशा आंसर देता रहूँगा। माई ड्यूटी इज टू डिप्लॉय योर क्वेरीज ऑन योर माइंड टू इंस्टॉल। ओके ओके राइट सर, चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई एम रियली थैंक यू वेरी मच विकास सर। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। यस सर बिल्कुल सर, क्वेश्चन आएंगे तो मैं 15 मिनट और रुक जाऊंगा यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं सर, मैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है ठीक है, बट आई एम मैं इवनिंग में फ्री रहता हूँ फॉर कमोडिटी मार्केट। सो आपका जो कोर्स है, हाउ इज इट यूजफुल फॉर मी सर? इफ यू जॉइन मी सो यू विल बी एबल टू ट्रेड परफेक्टली इन इंडियन इक्विटी इंडेक्सेस एंड कमोडिटी, इवन इन क्रिप्टो, इवन इन धनिया, कपास, जीरा, सब में ट्रेंड हो जाओगे सर, एवरीथिंग। ओके सर, ओके फाइन सर, यस। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर और किसी को लगता है तो ट्राई करिए एक दिन के लिए मेटालाइट, 1-2 दिन ट्राई करिए, ऑब्जर्व करिए, 1 या 2 ही लीजिए, सब लेने की जरूरत नहीं। कई बार होता है ना बड़ा बूफे देख के सब खाने की इच्छा होती है और डाइजेस्ट खराब हो जाता है। कोई इक्विटी वाले हैं तो इक्विटी में मिलेगा उसको, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस वाले तो वो करिए, इंडेक्स वाले तो इंडेक्स करिए, उसमें भी निफ्टी वाले तो निफ्टी करिए, बैंक निफ्टी सूट होता है तो बैंक निफ्टी करिए। बट ट्राई कर सकते हैं, सभी कॉल्स का आप रिकॉर्ड रखें, वो चेक करें, वो सब मॉनिटरिंग करें आप, पर ट्रेड वही करें जो आपको सूट करता है, रिस्क और जहां आपको ठीक लगता है वहीं पे आप ट्रेड करें। और एंट्री आने के बाद ही एग्जीक्यूट होगा वो, तो उसी हिसाब से अर्ली एंट्री ना करें, वो रिस्की हो सकती है। सर एक बार ऐसा था जब आप ये कॉल्स देते हैं, हेलो जी सर, हाँ सर जैसे आप कॉल्स देते हैं वो, तो क्या हम उसमें एक चीज ऐसी ऐड कर सकते हैं लाइक मारुति का जिस समय एक आया था, अभी बहुत बड़ा मूव आया था देखिए लास्ट टाइम, जिस समय वो बहुत नीचे भी गया था दोबारा, बट यू सेड कि नहीं होल्ड, रुके रहो, निकलना मत, आज मतलब मारुति बड़ा मूव देगा, इन स्पाइट ऑफ की सुबह उसने मूव ऊपर दिया, बाद में नीचे काफी नीचे गया, और उसके बाद जब नेक्स्ट मूव आया तो वो तो सीधा फिर उस दिन 300-400 पॉइंट से ऊपर तक गया था ऊपर। जी सर, जी सर। तो जिस कॉल के लिए आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वेट डोंट वरी, या वहां पर थोड़ा सा हम लोग को हिम्मत होती कि ठीक है अभी यहाँ से कॉल आया बताए, तो जब आप कोई स्टॉक्स का जिस तरह से देते हैं तो कैन वी, या आपकी टीम को थोड़ा सा काम बढ़ा रहा हूँ, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम वहां पर एटलीस्ट स्टार डालें कि भाई इसमें 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार? ओके देखिए सर, समटाइम आई एम जस्ट थैंक यू वेरी मच अखिलेश जी, समटाइम वी आर मेंशनिंग कि होल्ड दिस, या सागर सर भी एक्टिव रहते हैं, सागर सर भी बताते रहते हैं कि इसको होल्ड करिए, हाई कन्विक्शन कॉल है। जैसे येस बैंक है, मैंने येस बैंक दिया, अब भले ना एक दिन में वो सर लगभग 14%, बट मैंने बोला येस बैंक को आपको कम से कम महीना 2 महीने के लिए भूल जाना लेके, क्योंकि हमारा टारगेट है 1x 2x कई बार, बिकॉज येस बैंक 400 रुपये से आज कहाँ चल रहा है, तो ऑलरेडी जहाँ हमको लगता है हम इन्फॉर्म कर देते हैं सर। तो हाँ कई एक बार हम मिस करेंगे, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू इंक्रीज दिस एक्यूरेसी, कि हम आपको एक्यूरेसी तो ही है बट आपको इन्फॉर्मेशन और ज्यादा दे पाए, वी विल ट्राई दिस डेफिनेटली सर। मतलब इन्फॉर्मेशन बेस पे हमारा कन्विक्शन थोड़ा सा। देखिए सर, मैं सर आपका बात है, एक चीज और समझा रहा हूँ, मार्केट जाता है ना सर तो ऊपर जाने के पहले भी वो मूव देखो, मार्केट 1 रुपये से 10 रुपये पे गया, तो वो बार बार है ना एक ही साथ एक ही लाइन में नहीं चढ़ गया, वो ऊपर नीचे आया ऊपर गया इस तरह से जाता है। तो आपने देखा 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, अचानक वो प्रॉफिट हो गया 5,000, तो टेंशन होती है, वो निकल जाते हैं। नहीं, अगर आप लेवल नहीं जानते, अगर आपको लेवल का एंट्री एग्जिट का कंफर्मेशन नहीं है, तो आप फिर वो होता ना कि 200 रुपए का प्रॉफिट दिख गया निकल गया, 500 का लॉस में खड़े रह गए। वो साइकोलॉजी और वो स्टाइल से कभी ना करें। एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मोर इन्फॉर्म यू। सर, आपका जो कॉल्स आते हैं उस पे कन्विक्शन लेवल का भी कोई एक ऑप्शन अगर वहां देते हैं ना, हाँ हाँ डेफिनेटली हम देते हैं कभी कभी। यस यस, तो हम ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आपको उसमें कोशिश करें, आपके साथ उसमें कम्युनिकेट करें डेफिनेटली। और ये तब तक लगेगा जब तक आपका कोर्स में कंप्लीट नहीं कर लेता। अरे सर बिल्कुल, मे बी डेफिनेटली आप उसके बाद शायद वो लेवल्स निकालना हमको भी थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। देखिए सर, मैंने काफी चीजें है ना यूट्यूब पे वैसे डाल रखी है, आप जरा जाए देखिए। अगेन, आप डॉक्टर बनने जाते हो तो आपको एक टाइम देना पड़ेगा, इंजीनियर बनने जाते हो तो भी टाइम देना पड़ता है। तो थोड़ा यहाँ पे सीखिए, अगर सीख रहे हैं तब तक छोटे कैपिटल से करिए, कैपिटल कम है तो कैश में करिए। रोज का 200 कमाइए, 500 कमाइए, चलेगा, बट लॉस नहीं करना है। तो पहली बात तो होता है कि प्रॉफिट कमाने से पहले होता है कि जो कैपिटल है उसको बचा के कैसे रखें, तो वो ये तरीका होता है। सीखिए, सीखने के लिए मेरे पास फ्री यूट्यूब वीडियोज है, मैं और भी फ्री लर्निंग्स में बहुत सारी चीजें ला रहा हूँ। आई एम नॉट हियर टू ओनली अर्निंग एंड यू नो प्रमोटिंग माई प्रोडक्ट्स। आप खुद देखेंगे शायद ऐसे टेलीग्राम आपको बहुत कम मिलेंगे, जो लर्निंग तो वैसे ही दे रहे हैं। अच्छा, मैं है ना पेड कॉल में देता हूँ, साथ में फ्री में भी देता रहता हूँ। yes, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हमने कोई दुकान खोल रखी है इधर का उठा के उधर। मार्केट में आपको पता है क्या चलता है, कॉपी पेस्ट और क्या पता नहीं। मैं किसी के बारे में जितने भी पेड कॉल्स है चीजें देखी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपका जो डेली 199 है दैट इज दी मोस्ट, मतलब उतना तो ब्रोकरेज और इसमें ही चला जाता कई बार। तो वो सबसे रीजनेबल ये दिया है आपने, क्योंकि आपका और आपको सब आता है। मैं उन लोगों के लिए भी बोलूंगा, जैसे मान लीजिए आपको प्राइस रिजेक्शन आता है, आप मास्टर हैं बट आप बिजी रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसा मेंबर आपको सपोर्ट करे जो आपको बता दे कि यहाँ ब्रेकआउट आने वाला है स्पेस पे, या ये स्टॉक में हो रहा है? तो आप समझ लीजिए कि 199 में आपने एक असिस्टेंट हायर कर लिया है। ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग नहीं करना, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कोई आपको बता रहा है यहाँ पर एंट्री बनती है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो उसके बिहाफ पे भी आप अपने चार्ट खोलिए, अपना एनालिसिस करिए और देखिए आप क्या मिलता है, आपको रिजल्ट बहुत बड़े कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। हमारे यादव सर ने परसों बोल दिया कि ये लेवल जैसे टच करेगा बैंक निफ्टी को वापस 40,550 जाएगा, उल्टा वो 40,600 गया। हमने पहले बता दिया। हम देखिए सबसे मेन चीज, मैं आपको सभी जो वीडियो के दर्शक है उनको ये बोलना चाहूंगा, या जो हमारे मेंबर्स अभी हैं, मार्केट में पहले से लेवल निकाल के उसके वेट करके वो लेवल को अचीव करना ही आपको एक्सपीरियंस के साथ और एक अच्छे टूल्स के साथ आएगा। मार्केट बढ़ रहा है, सबको पता है बढ़ रहा है, उस वक्त मैं बोलूँ सी लो तो सबको पता है भाई हमको ही पता आप कौन सी नई चीज़ बता रहे हो। तो एडवांस में चीज़ों को प्रेडिक्ट करके उसको अचीव करना ही असली ट्रेडिंग मानी जाएगी, और ये पॉसिबल है। मार्केट आपको सारी चीज़ें पहले बता देता है, बट आपको पता होना चाहिए वो कैसे बता रहा है, आपको देखना आना चाहिए। मार्केट सारे हिंट पहले देता है, ये पक्की बात है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं समझे इसको। हाँ, गैम्बलिंग करने वाले अगर गैम्बलिंग करते तो उनको पता है उनके रिजल्ट्स क्या होता है। प्रोफेशनली आप इस मार्केट को समझेंगे, आपको वो सब कुछ पहले बता देगा। उसके बाद भी कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो गया तो छोटा स्टॉप लॉस से छोटे लॉस हो गए, चलेगा। बड़े लॉस नहीं होने चाहिए, बड़े प्रॉफिट कभी कभी आते ही रहने चाहिए, छोटे प्रॉफिट हो जाने चाहिए, बस इतना आप करिए। श्योर सर। सो ये इस तरह के अगर सेशन आप चाहते हैं तो संडे मैं एक घंटा आपके साथ बिता सकता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ओपन क्वेश्चन पूछें, अच्छा भी लगा, बहुत चीजें नई समझ में भी आएगी। मैं कुछ कैश के बाइंग, देखो मैं कैश में ज्यादा फोकस करता हूँ। ऑप्शन कब करना होता है कि ब्रेकआउट पक्का कंफर्म है, मुझे पता है कि वहाँ प्राइस जाएगा, इतने टाइम के साथ जा सकता है, तब मैं उसके प्लान के साथ एंट्री करता हूँ। ऑप्शन में स्कैल्पिंग करूंगा तो मुझे पता है मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से चीजें प्लान करूंगा। तो हर जोनर का अलग अलग प्लान बनता है, स्कैल्पर हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, व्हाटएवर। तो वो भी मैं आपके लिए शेयर करूंगा। मैं वेबसाइट पे कुछ नए डेवलपमेंट्स ला रहा हूँ, आपको चेक शीट मिलेगी, आपको पीएनएल अगर आपका मैनेज करना उसकी एक्सेल मिलेगी, आपको ऑप्शन चेन में कुछ डेटा डाल के देखना उसकी वीडियो एक्सेल मिलेगी। कभी कभी मेरे इंपॉर्टेंट क्लास होंगे उसके लिंक्स मिलेंगे। यूट्यूब पे मैं कम एक्टिव रहता हूँ और मैं ये हो सकता है वीडियो यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूँ, बट जितना ज्यादा सीखेंगे, क्वेश्चन आप लेंगे, आपको फायदा होगा। थैंक यू फॉर द टाइम। बाकी जरूरत पड़ती है मैं पूजा जी से कम्युनिकेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। Any more question, because it's 9 time to close, almost 1.5 hour. I need to go somewhere, so I'm not taking too much questions now. अगर आपको लगता है तो बिल्कुल वेट करिए, मैं कोशिश करूंगा वापस आपसे अगले संडे मिलने की। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस संडे। कुछ चीजें आती है, फोकस करिए, ट्रेड करना नहीं करना ये आपका डिसीजन है, सीखना सबसे पहले जरूरी है, तो सीखते रहिए और थोड़े थोड़े लॉस करिए, छोटा छोटा ट्रेड लीजिए जब तक नए हैं, तो इस तरह से करिए। जिस दिन आप अपने कन्विक्शन को और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को आप हैवीली मजबूत कर देंगे, तब आप क्वांटिटी बढ़ा के अपने प्रॉफिट को मल्टीपल कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन, थैंक यू वेरी मच, आई सी यू सून, ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन ऑन दिस संडे, नेक्स्ट संडे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।